हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच और बस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। दोस्तों, हमेशा से ही बॉलीवुड के अंदर धार्मिक फिल्मों को लेकर विवाद रहा है, लेकिन फिल्म के निर्माता, फिल्म के डायरेक्टर और अभिनेता इन सब चीज़ों से बाज नहीं आते हैं। और एक बार फिर से अक्षय कुमार ने अपने पूरे भरोसे के साथ ऐसे ही फिल्मों में काम किया और दोस्तों नतीजा 2022 में बॉक्स ऑफिस में बहुत बुरा हुआ था। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है, राम सेतु फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी उखाड़ नहीं पाया था। लेकिन क्या रीजन था, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस मूवीज़ की फ्लॉप होने की, साथ ही साथ इस मूवीज़ की कहानी कैसी थी इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग राम सेतु फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जब भी आप लोग का कॉमेंट आता है मैं उसका पूरा रिप्लाई देता हूँ, तो आप लोग कॉमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल AK Movie Fact को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं राम सेतु मूवीज के बारे में। बता दें फ्रेंड्स आपको, ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर मूवी है। और वहीं पे फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा ने इस फिल्म में अभिनय किया था। उनके अलावा सत्य देव भी इस फिल्म के अंदर अहम भूमिकाओं में नजर आए हुए थे। वहीं पे दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी पुरातत्वविद पर आधारित है, जो राम सेतु की प्रकृति की जाँच करने के लिए अक्षय कुमार की टीम फिल्म के अंदर निकल पड़ते हैं, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है दुनिया में। वहीं इस फिल्म की घोषणा के बारे में बात की जाए तो इस मूवीज की घोषणा नवंबर के महीने 2020 में कर दी गई थी, जिसकी प्रमुख फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के बीच उत्पादन को असफलताओं और देरी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था और कुल मिलाकर अक्टूबर 2021 में फिर से इस मूवीज का शूटिंग शुरू हुआ और उसके बाद जनवरी 2022 में ऊटी, उसके अलावा गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया गया था। तभी दोस्तों राम सेतु फिल्म को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा ज़्यादा देखने को मिली थी।
वहीं दोस्तों फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, लेकिन ये फिल्म अपने 110 करोड़ के बजट की भरपाई करने में बॉक्स ऑफिस में विफल रही थी उस वक्त। वहीं दोस्तों आपको बता दें, कहानी में एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको बता दें नासा के उपग्रह चित्र में इस चीज को दिखाया गया था। वहीं भारत शीर्ष पर श्रीलंका सबसे नीचे पर रैंक करता है उस जगहों पर। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के संपादन के बारे में बात की जाए तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के निर्देशक अभिषेक शर्मा जी ने 2007 से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले के बारे में पता चला, तब फिल्म का सह निर्माण अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया को दे दिया गया इसका जिम्मा। राम सेतु फिल्म के लिए सबसे पहले अक्षय कुमार की मां को चुना गया था। इस फिल्म के निर्माता के लिए अरुणा भाटिया जी को और विक्रम मल्होत्रा द्वारा प्रोडक्शन कंपनी और उसके अलावा अक्षय कुमार के केप ऑफ गुड फिल्म द्वारा इस मूवीज को बनाया गया। उनके अलावा अम्बदेसिया एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म को प्रोडक्शन किया, साथ ही साथ लाइका प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत इस मूवीज को बनाया गया था और ये फिल्म भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। वहीं आपको बता दें, अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया था। उसके बाद दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में फिल्म में साइन किया गया था। उसके बाद अक्षय कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। तभी बता दें, अम्बुदातिया एंटरटेनमेंट के CEO सह निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और इसके अलावा ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी बताया। वही फिल्म की टीम ने डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 पर 2004 की किताब पर पुस्तक के साथ साथ जो है पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श लिया था इस मूवीज की कहानी के लिए। इसी के साथ दोस्तों मार्च 2021 की शुरुआत में ही मीडिया रिपोर्ट ने पुष्टि किया था कि जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा को कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। तभी जून 2021 में सत्यदेव कंचना ने खुलासा किया था कि वह हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगे। वहीं फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के अवसर पर किया गया। तभी दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के गौतम बुद्ध नगर जिले में किया जाएगा और प्रस्तावित है बताया गया। वहीं पे दोस्तों बता दें, फिल्म सिटी में होगी ये भी चीज थी जो 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में टीम द्वारा वहां पे पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट आयोजित किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवीज की फोटोग्राफी 2020 में ही शुरू होने वाली थी। वहीं मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पैरी घाटी के एक नियोजित यात्रा लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित भीड़ के कारण वहां पर रद्द कर दी गई, क्योंकि दोस्तों लोगों का भीड़ नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर फिल्म को शूट नहीं किया गया। और 2020 के बाद आपको पता है इंडिया में कोविड-19 लग गया था। मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई, जहां पे मर्ड द्वीप पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया। वहीं शूटिंग 5 अप्रैल को शुरू होने वाली थी, हालांकि 4 अप्रैल को कुमार का कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आया, जो एक दिन बाद 5 अप्रैल को फिल्मांकन दल के 45 सदस्यों ने सकारात्मक परीक्षण किया, इसका कारण फिल्मांकन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। सह निर्माता मल्होत्रा ने रिपोर्ट का खंडन किया, जहां पे दावा किया गया था कि वह बिल्कुल गलत है इस चीज़ के लिए और तथ्यों की पूरी तरह से गलत व्याख्या किया गया, और फिर कहा गया था कि एक ऑफ लोकेशन से प्रशिक्षण स्थल पर सकारात्मक प्रशिक्षण करने वाले 25 लोगों को उन लोगों से हटा दिया गया था जो इसका हिस्सा बनने के लिए योग्य नहीं थे। उसके बाद उस समय महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रसारणों को रोकने के लिए तालाबंदी लगा दी और इसके साथ ही क्रू के कई सदस्यों के सकारात्मक प्रशिक्षण के कारण फिल्म निर्माताओं को मुंबई शेड्यूल रद्द करना पड़ा और मध्य पर सेट को ध्वस्त करना पड़ा। तभी इसके बाद अक्षय कुमार अपनी अन्य फिल्मों पर काम करने चले गए, जिनमें से रक्षाबंधन मूवी शामिल थी, उसके अलावा कठपुतली भी शामिल थी, जिसका लंदन में 2 महीने का लंबा शेड्यूल लगाया गया था जो अक्टूबर में समाप्त हुआ। ये शूटिंग कठपुतली फिल्म की शूटिंग समाप्त होने के बाद अक्षय कुमार सीधे राम सेतु की शूटिंग पर वापस लौट आए थे।
लेकिन इसके पहले की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि वह फिल्मांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरू होगा। हालांकि वह केवल अक्टूबर 2021 के मध्य में ऊटी में एक शेड्यूल के साथ शुरू हुआ। वहीं प्रमुख पानी के नीचे के एक्शन दृश्य, समुद्री शूटिंग और चर्मोत्कर्ष को श्रीलंका में शूट किया गया था। श्रीलंका में कोविड 19 महामारी के कारण यह संभव नहीं था, जिससे फिल्मांकन टीम के लिए वहाँ पे संगरोध प्रतिबंधों के तहत यात्रा करना मुश्किल हो गया था। वहीं फिल्म निर्माता ने केरल और गुजरात में वैकल्पिक स्थान की तलाश की, जहाँ पे केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण इसका चयन नहीं किया गया। अंत में दमन और दीव को शूटिंग के लिए चुना ही गया और कुछ दृश्य मुंबई में भी फिल्माए गए थे और उसके बाद अनुक्रम हफ्ता में भी शूट किया गया था, जो 5 दिसंबर तक के दीव में शूटिंग पूरी हो गई थी। फाइनली 31 जनवरी 2022 को अक्षय कुमार ने शूटिंग पूरी की, जो पानी के नीचे के दृश्यों के लिए एक वास्तविक एक्शन शूट का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इसे पहनने और इसमें शूटिंग करने की चुनौतियों के कारण टीम ने एक प्रतिकृति का विकल्प चुना और ये फिल्म 150 करोड़ या फिर यूएस में कन्वर्ट कर दे तो 19 मिलियन की लागत से बनाई गई थी और फिल्म का बजट 85 करोड़ भी बताया जाता है। तभी दोस्तों बताते चले आपको, अप्रैल 2022 के एंड में फिल्म निर्माता ने अक्षय कुमार, उनके अलावा सत्यदेव और फर्नांडिस को दर्शाते हुए एक पोस्टर जारी किया था, पोस्टर जो कि वायरल हो गया जल्द ही सोशल मीडिया पर और वहीं पे मीम्स के रूप में साइबर ट्रोलिंग का शिकार हो गया ये पोस्टर, क्योंकि अक्षय कुमार एक जलती हुई बहुत ही बड़ी मशाल पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे पोस्टर में, जबकि फर्नांडिस एक शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी पकड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और अक्टूबर में फिल्म निर्माताओं ने एक ही मोबाइल गेम जारी किया, जिसमें फिल्म के मुख्य पात्र डॉक्टर आर्यन, उनके अलावा कुलश्रेष्ठ और सिंड्रा और एपी इन सभी चीज़ों में शामिल थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों कहानी के अंदर ASI पुरातात्विक डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वह भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। फिर उन्होंने पहले ही भारत और पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर काम किया था। टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की थी और उसके बाद दोनों अफगानिस्तान में वहां पे बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद वहां पे थे, जहां पे दाहिर का खजाना बाद में मिला था। तभी इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, ये चीज़ भी देखने को मिला है। साल 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के वजह से राम सेतु पुल को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है, यानी कि वो ऑटोमेटिक बना हुआ है। उन्होंने शुरू में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद बता दें उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि वहाँ पे रामायण एक महाकाव्य कथा है, इतिहास नहीं है बताया। और फिर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया, कहानी में उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार करना नहीं चाहिए, इस प्रकार उसे पूरी शत्रुता का सामना करना पड़ गया है। उसके बाद अदालत में वहाँ पे हलफनामे के रूप में प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट से सरकार अपमानित होती है क्योंकि यह राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा था कहानी में। और तभी जनता गुस्से में आ गई मूवीज के अंदर, इसके परिणाम के रूप में आर्यन को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है और वहाँ पे दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ी और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। उसके बाद इस बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला था। इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन और पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहते हैं और उनका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उनके जहाज़ों को लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, इसलिए वह चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए और फिर जो है आर्यन को राम सेतु के पुरातत्व अन्वेषण और इसके अलावा अनुसंधान में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश किया जाए। उसके बाद यहां पर जनता की अधिक शत्रुता के डर से वह इसे अस्वीकार कर देते हैं,
लेकिन अपने बेटे के साथ हुई घटनाओं को याद करने के बाद वह सच्चाई साबित करने का फैसला करते हैं। इसलिए बता दें, आर्यन मिशन को स्वीकार करते हैं और फिर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बाली और साथी वैज्ञानिकों को डॉक्टर सेंड्रा उनकिलावा, रेबेलो जेगले फर्नांडिस और डॉक्टर गेबेरियर से मिलकर ये काम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गेबेरियल से मिलते हैं जिन्होंने उसके साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, और प्रारंभिक जो है सोच से पता चलता है कि रामसेतु 18,000 वर्ष पुराना है, जोसुआ राम से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। उसके बाद एक और रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये 7,000 वर्ष से भी अधिक पहले पैदा हुआ था, और ये फिर आर्यन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह राम सेतु से एक और तैरती हुई चट्टान लाने का फैसला करते हैं और उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। फिर वह गहरे पानी में भी निकल पड़ते हैं और वहाँ पे मूंगा चट्टानों का पता लगाते हैं। इससे ये सिद्ध होने लगता है कि राम सेतु सचमुच लगभग जो है 7,000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित की गई है, और इसके राम द्वारा निर्मित होने की संभावना भी है, उनका ये मानना है। फिर वह इसकी जो है सूचना इंद्रकांत को देते हैं, जो कि मिशन के प्रति आर्यन की निष्पक्षता की सराहना करते हैं। हालांकि इंद्रकांत केवल यह प्रमाण चाहते हैं कि राम सेतु राम से भी पूर्ण है, और इसलिए इसे उन्होंने नहीं बनाया है ताकि वह वहां पर संरचना को ध्वस्त कर सके और अपनी परियोजना के लिए धन और ईंधन बचा सके। फिर उसने तीनों को मार डालने का फैसला किया, तभी वहाँ पर राम सेतु से अधिक चट्टान निकलने के एक अन्य मिशन पर डॉक्टर ग्रेबियल, डॉक्टर सेंड्रा और वहाँ पर रेबेलो और आर्यन गहरे पानी में निकल पड़ते हैं। उसके बाद वहाँ पर अचानक उनकी जो है पनडुब्बी काम करना बंद कर देती है और वह फंस जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण वह वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर ग्रेबियल ने चतुराई से काम करते हुए तैरते हुए पत्थर को अपने साथ ले लिया, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बाली पर संदेह था और बीच समुद्र में उन्हें नाव पर सवार एक व्यक्ति वहाँ पे नजर आता है। वह आदमी वहाँ पे पुष्प कुमार एपी सत्यदेव द्वारा बचाए जाते हैं, फिर उन्हें जो है बचाते हैं और श्रीलंका के एक सुदीर द्वीप पर उनको लेकर जाते हैं, जो वर्तमान में चल रहे वहाँ पे गृह युद्ध से प्रभावित है। उसके बाद वो तीनों उनके मकसद में मदद करने के लिए सहमत हुआ और फिर वह कहता है कि वह उनकी मदद करेगा, लेकिन केवल आर्थिक लाभ के लिए। बाली को पता चलता है कि पत्थर गायब हो गया है और वह उनका पीछा करने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पे एपी उन्हें सीमा पार करने में मदद करते हैं और फिर पीछा करने में पत्थर जो है गायब हो जाता है। एपी स्थानीय पुलिस की मदद लेने में कामयाब होते हैं, जो उन्हें हेलीकॉप्टर से बचा लिया जाता है। उसके बाद तीनों हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रेबियल जो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी उसे बाली ने गोली मार दी, तभी दोस्त वहाँ पे वह मर गई। अब जो है आर्यन और सेंड्रा और उसके अलावा एपी के साथ मिलकर श्रीलंका में सीमाओं के पार अपना जो है शोध करने के और राम सेतु के अस्तित्व को साबित करने का फैसला किया है, जिसमें रावण का अस्तित्व भी छुपा हुआ है, और ये अपने आप में एक बड़ा सबूत होगा कि राम सेतु प्राकृतिक नहीं था बल्कि राम द्वारा बनाया गया था। उसके बाद वहाँ से वो भागने की प्रयास के दौरान वहाँ पे एपी पीछे रह जाते हैं और उसे मृत मान लिया जाता है। आर्यन यह पता लगाने के अपने प्रयासों से विफल रह जाते हैं कि एपी वास्तव में कौन था। उसके बाद दोस्तों सभी की मदद से आगे बढ़ते हुए आर्यन नहर के निर्माण को रोकने और अदालत में ये साबित करने में सक्षम है कि राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित था और रामायण की कहानी सच्चे बताया। उसके बाद अशोक जो है वाटिका, उनके अलावा सीता, अमन मंदिर वहाँ पे एला में गए, जहाँ पे लंका के पुरातत्वतिक जो साक्ष्य ढूंढकर श्रीलंका में श्री पद की राम अस्तित्व में वो कर लेते हैं। बाद में अपने बचे हुए बैग से एपी के बारे में अधिक जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं। समय के बाद पता चलता है कि आर्यन को जय श्री राम यानी कि वाक्यांश में भरी एक डायरी मिली और एपी द्वारा कही गई बातों का विश्लेषण करने और डायरी देखने के बाद उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि एपी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान हनुमान थे, ऐसा उनका मानना था, जो आगे इसका अर्थ है कि एपी अभी भी जीवित है और वास्तव में अमर है, और उसने आर्यन को राम के लिए सबूत लाने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था इस कहानी के अंदर।
उसके बाद कहानी में जून 2022 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जो है दावा किया गया था कि राम सेतु नाटकीय रिलीज के बजाय ओटीटी रिलीज पर ये मूवी रिलीज होगी। लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ये फिल्म अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों सम्राट पृथ्वीराज और 2022 में रिलीज हुई बच्चन पांडे 2022 के खराब प्रदर्शन के कारण हुआ था। इसकी वजह से फिल्म निर्माताओं ने इन रिपोर्टों को अप्रामाणिक बताते हुए स्पष्ट किया था कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के मौके पर फिल्म रिलीज हुई थी। इसी के साथ आपको बता दें बानर और भालू लंका तक यहाँ पे पुल बनाते हैं लेकिन नल और वहाँ पे नीला बैठे हुए राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हैं, जहाँ पे अनाम जो है वहाँ पे जल रंग सी यानी कि 1850 और उनके अहमियत भरा हुआ जो आप देखने को मिला था। राम सेतु को आलोचकों से बहुत ही नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म को 10 समीक्षकों के आधार पर 20 की अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को प्राप्त हुआ था। इसी के साथ दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दिया था इस मूवीज को रिव्यू करने के बाद, और साथ ही इस फिल्म को पैदल यात्री का अनुभव करार दिया और कहा कि वह केवल अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में रुचि रखते हैं कि वह निर्देशक ने अक्षय कुमार के चरित्र को एक गैर वनित्व और नास्तिक से सोशल मीडिया प्रचार के बदलने के लिए स्क्रिप्ट में कोई भी विश्वसनीय प्रगति नहीं करके तथ्य और कल्पना के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कमजोर कहानी शो किया और स्पष्ट रूप से इच्छुक जो है बाहुबली की आलोचना भी की जो फिल्म के दृश्य प्रभाव और कलाकारों के प्रदर्शन इसमें देखने को मिला था। लेकिन सत्यदेव की प्रशंसा की गई जहाँ पे वेटी कैड ने ये भी लिखा है कि ये संभावित विस्फोटक सामग्री से निपटने वाली फिल्म के लिए आश्चर्यजनक रूप से सपाट था। यहाँ पे नम्रता जोशी ने स्क्रीन इंटरनेशनल के लिए समीक्षा करते हुए लिखा कि ये फिल्म कथानक में कमी जरूर पैदा करता है। उन्होंने बताया कि कहानी में कमी है और कल्पना और मौलिकता और बिना रोमांस के एक्शन दृश्य, उनका मानना था कि फिल्म में हिंदू वर्चस्व को चित्रित किया गया है। तभी दोस्तों बता दें बल्कि कथा में छिपा हुआ है और वहाँ पे समांतर में हिंदू पीड़ित है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राम सेतु दक्षिण पंथी बॉलीवुड में एक और प्रचार फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार उनके अलावा ध्वजवाह के रूप में काम करते हैं और वही भी दोस्तों फिल्म जो अप्रभावी निकली क्योंकि वहाँ पे सुभाष के झा ने फर्स्ट पोस्ट में लिखा है कि ये फिल्म हिंदुत्व विचारधारा पर आधारित है जो बाद में खुद को पौराणिक कथाओं में ढाल लेती है। और उन्होंने कहा कि ये फिल्म हिंदुत्व समर्थक किसी भी फिल्म का मजाक उड़ाने और उसे कमजोर करने के वहाँ पे वामपंथियों के बड़े प्रयासों का हिस्सा बना हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि फिल्म को सत्ता समर्थक प्रचार के रूप में समझना निर्धार होता है और उन्हें सत्यदेव को छोड़कर बाकी सभी कलाकारों का प्रदर्शन निराश लगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म को इंडियाना जोन्स जैसे साहसिक कार्य के बजाय आस्था बनाम और इसके अलावा अंधविश्वास की बहस पर केंद्रित किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य रिव्यूअर्स ने NDTV के तरफ से समीक्षा करते हुए सैबल चटर्जी ने लिखा है, इन्होंने अपने रिव्यू में 1.5 स्टार दिया है और लिखा है फिल्म भारतीय इतिहास के बारे में ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करने में कामयाब है जो इतिहास पौराणिक कथाओं और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। वहीं वैज्ञानिक और उसके अलावा विद्वानों ने अध्ययन समाप्त नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म खराब ढंग से लिखी गई ही कहानी जो घटिया तरीके से बनाया गया है और खराब अभिनय किया गया है जो आदिम दृश्य प्रभाव के साथ एक अंजाम दल को प्रस्तुत किया गया है जो अंत तक राम के अविश्वासियों को दंडित करने के लिए एक संदेश प्रस्तुत करती है। वहीं पे डी प्रिंट के लिए समीक्षा करते हुए टीना दास ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि फिल्म दर्शकों को ये समझने की कोशिश किया गया है कि हिंदू धर्म और सामान्य रूप से धर्म उन्हें मुक्ति जरूर दिलाता है। उन्होंने इंडियाना जोन्स और इसके अलावा नेशनल ट्रेजर के नायकों की नकल करने की कोशिश के बावजूद अक्षय कुमार के प्रदर्शन को असंबद्ध बताया गया। उन्होंने लिखा कि फिल्म में इतिहास और इसके अलावा मिथन के साथ साथ हिंदुत्व विचारधारकों को भी शामिल किया गया है जो कि दृश्य प्रभाव और CGI उनके अलावा एनिमेशन को दोषपूर्ण बताया गया। उनका मानना था कि यदि कोई इन बारीकियों को नज़रअंदाज करने में सफल होता है तो फिल्म रोमांचककारी होगी। तभी इस क्रूर इनमें
नंदिनी रामनाथ ने लिखा है, सेतु की आलोचना करते हुए इसे दृश्य प्रभाव के साथ व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी बताया गया। उन्होंने लिखा है कि टी उस कथा में तर्क किए है कि बुनियादी सामान्य ज्ञान के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ा है, जो इस बात पर जोर देती है कि धार्मिक विश्वास को वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष ज्ञान से ऊपर खा जाए। और वहाँ पे उन्होंने कथानक और कलाकारों के प्रदर्शन में भी कमी बताई थी। इसके अलावा दोस्तों, द हिंदू के अनुज कुमार जी ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, ये फिल्म सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मूवीज है। और आगे उन्होंने कहा है, उसकी तुलना में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित की गई और वहीं पे कश्मीर फाइल्स मूवी 2022 से की गई, जहां दोनों फिल्मों में हिंदू समाज के भीतर उदार और वहां पे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को एक खतरे के रूप में दर्शाया गया है, इससे बता दें निपटने की जरूरत है। दोनों फिल्में वहाँ पे बहुसंख्याओं के उत्पीड़न के दृष्टिकोण से लिखी गई थी और वह हिंदुओं को वहाँ पे उपदेश देती है कि वह यहाँ पे सभ्यताओं के बीच युद्ध के बीच में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में विरोधाभासी विचार रखने वालों को दर्शाया गया है और वहाँ पे जिन लोगों को राम में आस्था नहीं है उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जानी है। उन्होंने पाया कि वहाँ पे कलाकारों का प्रदर्शन घटिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं राम सेतु मूवीज के बारे में। बता दें फ्रेंड्स आपको, ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर मूवी है। और वहीं पर फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, इस फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा ने इस फिल्म में अभिनय किया था। उनके अलावा सत्यदेव भी इस फिल्म के अंदर अहम भूमिकाओं में नजर आए हुए थे। वहीं पर दोस्तों, इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी पुरातत्वविद पर आधारित है, जो राम सेतु की प्रकृति की जाँच करने के लिए अक्षय कुमार की टीम फिल्म के अंदर निकल पड़ते हैं। इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है दुनिया में। वहीं इस फिल्म की घोषणा के बारे में बात की जाए तो इस मूवीज की घोषणा नवंबर के महीने 2020 में कर दी गई थी। इसकी प्रमुख फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के बीच उत्पादन को असफलताओं और देरी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था और कुल मिलाकर अक्टूबर 2021 में फिर से इस मूवीज का शूटिंग शुरू हुआ। और उसके बाद जनवरी 2022 में ऊटी, उसके अलावा गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया गया था। तभी दोस्तों राम सेतु फिल्म को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा ज़्यादा देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों, फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, लेकिन ये फिल्म अपने 110 करोड़ के बजट की भरपाई करने में बॉक्स ऑफिस में विफल रही थी उस वक्त। वहीं दोस्तों आपको बता दें, कहानी में एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको बता दें नासा के उपग्रह चित्र में इस चीज को दिखाया गया था। वहीं भारत शीर्ष पर श्रीलंका सबसे नीचे पर रैंक करता है उस जगहों पर। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म के संपादन के बारे में बात की जाए तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के निर्देशक अभिषेक शर्मा जी ने 2007 से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले के बारे में पता चला तब फिल्म का सह निर्माण अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया को दे दिया गया इसका जिम्मा। राम सेतु फिल्म के लिए सबसे पहले अक्षय कुमार की माँ को चुना गया था इस फिल्म के निर्माता के लिए अरुणा भाटिया जी को और विक्रम मल्होत्रा द्वारा प्रोडक्शन कंपनी हो और उसके अलावा अक्षय कुमार के केप ऑफ गुड फिल्म द्वारा इस मूवीज को बनाया गया। उनके अलावा अम्बदेसिया एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म को प्रोडक्शन किया, साथ ही साथ लाइका प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत इस मूवीज को बनाया गया था और ये फिल्म भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। वहीं आपको बता दें, अरुणा भाटिया का सितम्बर 2021 में निधन हो गया था। उसके बाद दोस्तों, चंद्र प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में फिल्म में साइन किया गया था। उसके बाद अक्षय कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। तभी बता दें, अम्बुदातिया एंटरटेनमेंट के CEO सह निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्य, विज्ञान और इसके अलावा ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी बताया। वही फिल्म की टीम ने
डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 पर 2004 की किताब पर पुस्तक के साथ साथ जो है पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श लिया था इस मूवीज की कहानी के लिए। इसी के साथ दोस्तों मार्च 2021 की शुरुआत में ही मीडिया रिपोर्ट ने पुष्टि किया था कि जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा को कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। तभी जून 2021 में सत्यदेव कंचना ने खुलासा किया था कि वह हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगे। वही फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के अवसर पर किया गया। तभी दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के गौतम बुद्ध नगर जिले में किया जाएगा और प्रस्तावित है बताया गया। वहीं पे दोस्तों बता दें फिल्म सिटी में होगी ये भी चीज थी जो 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में टीम द्वारा वहां पे पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट आयोजित किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवीज की फोटोग्राफी 2020 में ही शुरू होने वाली थी। वहीं मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पैरी घाटी के एक नियोजित यात्रा लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित भीड़ के कारण वहां पर रद्द कर दी गई, क्योंकि दोस्तों लोगों का भीड़ नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर फिल्म को शूट नहीं किया गया। और 2020 के बाद आपको पता है इंडिया में कोविड-19 लग गया था। मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई, जहाँ पे मर्ड डीप पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया। वहीं शूटिंग 5 अप्रैल को शुरू होने वाली थी, हालांकि 4 अप्रैल को कुमार का कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आया, जो एक दिन बाद 5 अप्रैल को फिल्मांकन दल के 45 सदस्यों ने सकारात्मक परीक्षण किया, जिसका कारण फिल्मांकन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। सह निर्माता मल्होत्रा ने रिपोर्ट का खंडन किया, जहाँ पे दावा किया गया था कि वह बिल्कुल गलत है इस चीज़ के लिए और तथ्यों की पूरी तरह से गलत व्याख्या किया गया। और फिर कहा गया था कि एक ऑफ लोकेशन से प्रशिक्षण स्थल पर सकारात्मक प्रशिक्षण करने वाले 25 लोगों को उन लोगों से हटा दिया गया था जो इसका हिस्सा बनने के लिए योग्य नहीं थे। उसके बाद उस समय महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रसारणों को रोकने के लिए तालाबंदी लगा दी और इसके साथ ही क्रू के कई सदस्यों के सकारात्मक प्रशिक्षण के कारण फिल्म निर्माताओं को मुंबई शेड्यूल रद्द करना पड़ा और मध्य पर सेट को ध्वस्त करना पड़ा। तभी इसके बाद अक्षय कुमार अपनी अन्य फिल्मों पर काम करने चले गए, जिनमें से रक्षाबंधन मूवी शामिल थी, उसके अलावा कठपुतली भी शामिल थी, जिसका लंदन में 2 महीने का लंबा शेड्यूल लगाया गया था जो अक्टूबर में समाप्त हुआ ये शूटिंग। कठपुतली फिल्म की शूटिंग समाप्त होने के बाद अक्षय कुमार सीधे राम सेतु की शूटिंग पर वापस लौट आए थे, लेकिन इसके पहले की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि वह फिल्मांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरू होगा। हालांकि वह केवल अक्टूबर 2021 के मध्य में ऊटी में एक शेड्यूल के साथ शुरू हुआ। वही प्रमुख पानी के नीचे के एक्शन दृश्य, समुद्री शूटिंग और चर्मोत्कर्ष को श्रीलंका में शूट किया गया था। श्रीलंका में कोविड-19 महामारी के कारण यह संभव नहीं था, जिससे फिल्मांकन टीम के लिए वहां पे संगरोध प्रतिबंधों के तहत यात्रा करना मुश्किल हो गया था। वहीं फिल्म निर्माता ने केरल और गुजरात में वैकल्पिक स्थान की तलाश की, जहां पे केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण इसका चयन नहीं किया गया। अंत में दमन और दीव को शूटिंग के लिए चुना ही गया और कुछ दृश्य मुंबई में भी फिल्माए गए थे और उसके बाद अनुक्रम हफ्ते में भी शूट किया गया था, जो 5 दिसंबर तक के दीव में शूटिंग पूरी हो गई थी। फाइनली 31 जनवरी 2022 को अक्षय कुमार ने शूटिंग पूरी की, जो पानी के नीचे के दृश्यों के लिए एक वास्तविक एक्सोसूट का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इसे पहनने और इसमें शूटिंग करने की चुनौतियों के कारण टीम ने एक प्रतिकृति का विकल्प चुना और ये फिल्म 150 करोड़ या फिर यूएस में कन्वर्ट कर दे तो 19 मिलियन की लागत से बनाई गई थी और फिल्म का बजट 85 करोड़ भी बताया जाता है। तभी दोस्तों बताते चले आपको अप्रैल 2022 के एंड में फिल्म निर्माता ने अक्षय कुमार, उनके अलावा सत्यदेव और फर्नांडिस को दर्शाते हुए एक पोस्टर जारी किया था, पोस्टर जो कि वायरल हो गया जल्द ही सोशल मीडिया पर और वहीं पे मीम्स के रूप में साइबर ट्रोलिंग का शिकार हो गया ये पोस्टर, क्योंकि अक्षय कुमार एक जलती हुई
बहुत ही बड़ी मशाल पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे पोस्टर में, जबकि फर्नांडिस एक शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी पकड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और अक्टूबर में फिल्म निर्माताओं ने एक ही मोबाइल गेम जारी किया, जिसमें फिल्म के मुख्य पात्र डॉक्टर आर्यन, उनके अलावा कुलश्रेष्ठ और सेंड्रा और एपी, इन सभी चीज़ों में शामिल थी। इसी के साथ दोस्तों, अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों कहानी के अंदर ASI पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वह भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। फिर उन्होंने पहले ही भारत और पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर काम किया था। टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की थी। और उसके बाद दोनों अफगानिस्तान में वहां पे बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद वहां पे थे, जहां पे दाहिर का खजाना बाद में मिला था। तभी इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, ये चीज़ भी देखने को मिला है। साल 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के वजह से राम सेतु पुल को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है, यानी कि वो ऑटोमेटिक बना हुआ है। उन्होंने शुरू में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद बता दें उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि वहाँ पे रामायण एक महाकाव्य कथा है, इतिहास नहीं है बताया। और फिर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया। कहानी में उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार करना नहीं चाहिए, इस प्रकार उसे पूरी शत्रुता का सामना करना पड़ गया है। उसके बाद अदालत में वहाँ पे हलफनामे के रूप में प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट से सरकार अपमानित होती है क्योंकि यह राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा था कहानी में। और तभी जनता गुस्से में आ गई मूवीज के अंदर। इसके परिणाम के रूप में आर्यन को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है और वहाँ पे दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ी और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। उसके बाद इस बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला था। इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन और पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहते हैं। और उनका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उनके जहाज़ों को लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, इसलिए वह चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए और फिर जो है आर्यन को राम सेतु के पुरातत्वीय अन्वेषण और इसके अलावा अनुसंधान में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश किया जाए। उसके बाद यहां पर जनता की अधिक शत्रुता के डर से वह इसे अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन अपने बेटे के साथ हुई घटनाओं को याद करने के बाद वह सच्चाई साबित करने का फैसला करते हैं। इसलिए बता दें आर्यन मिशन को स्वीकार करते हैं और फिर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बाली और साथी वैज्ञानिकों को डॉक्टर सेंड्रा, उनके अलावा रेबेलो जेगले फर्नांडिस और डॉक्टर गेबेरियल से मिलकर ये काम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गेबेरियल से मिलते हैं जिन्होंने उसके साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। और प्रारंभिक जो है सोच से पता चलता है कि राम सेतु 18,000 वर्ष पुराना है, जो स्वयं राम से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। उसके बाद एक और रिपोर्ट में बताया जाता है कि 7,000 वर्ष से भी अधिक पहले पैदा हुआ था और ये फिर आर्यन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह राम सेतु से एक और तैरती हुई चट्टान लाने का फैसला करते हैं और उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। फिर वह गहरे पानी में भी निकल पड़ते हैं और वहाँ पर मूंगा चट्टानों का पता लगाते हैं। इससे ये सिद्ध होने लगता है कि राम सेतु सचमुच लगभग जो है 7,000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित की गई है और इसके राम द्वारा निर्मित होने की संभावना भी है, उनका ये मानना है। फिर वह इसकी जो है सूचना इंद्रकांत को देते हैं, जो कि मिशन के प्रति आर्यन की निष्पक्षता की सराहना करते हैं। हालांकि इंद्रकांत केवल यह प्रमाण चाहते हैं कि राम सेतु राम से भी पूर्ण है और इसलिए इसे उन्होंने नहीं बनाया है ताकि वह वहाँ पर संरचना को ध्वस्त कर सके और अपनी परियोजना के लिए धन और ईंधन बचा सके। फिर उसने तीनों को मार डालने का फैसला किया। तभी वहाँ पे राम सेतु से अधिक चट्टान निकलने के लिए निकलने के एक अन्य
मिशन पर डॉक्टर ग्रेबियल, डॉक्टर सेंड्रा और वहां पर रेबेलो और आर्यन गहरे पानी में निकल पड़ते हैं। उसके बाद वहां पर अचानक उनकी जो है पनडुब्बी काम करना बंद कर देती है और वह फंस जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण वह वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर ग्रेबियल ने चतुराई से काम करते हुए तैरते हुए पत्थर को अपने साथ ले लिया क्योंकि उन्हें वहां पे बाली पर संदेह था और बीच समुद्र में उन्हें नाव पर सवार एक व्यक्ति वहां पे नजर आता है। वह आदमी वहां पे पुष्प कुमार एपी सत्यदेव द्वारा बचाए जाते हैं, फिर उन्हें जो है बचाते हैं और श्रीलंका के एक सुदीर द्वीप पर उनको लेकर जाते हैं जो वर्तमान में चल रहे वहाँ पे गृह युद्ध से प्रभावित है। उसके बाद वो तीनों उनके मकसद में मदद करने के लिए सहमत हुआ और फिर वह कहता है कि वह उनकी मदद करेगा लेकिन केवल आर्थिक लाभ के लिए। बाली को पता चलता है कि पत्थर गायब हो गया है और वह उनका पीछा करने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पे एपी उन्हें सीमा पार करने में मदद करते हैं और फिर पीछा करने में पत्थर जो है गायब हो जाता है। एपी स्थानीय पुलिस की मदद लेने में कामयाब होते हैं जो उन्हें हेलीकॉप्टरों से बचा लिया जाता है। उसके बाद तीनों हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन वहाँ पे ग्रेबियल जो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी उसे बाली ने गोली मार दी, तभी दोस्तों वहाँ पे वह मर गई। अब जो है आर्यन और सेंड्रा और उसके अलावा एपी के साथ मिलकर श्रीलंका में सीमाओं के पार अपना जो है शोध करने के और राम सेतु के अस्तित्व को साबित करने का फैसला किया है जिसमें रावण का अस्तित्व भी छुपा हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ा सबूत होगा कि राम सेतु प्राकृतिक नहीं था बल्कि राम द्वारा बनाया गया था। उसके बाद वहाँ से वो भागने की प्रयास के दौरान वहाँ पे एपी पीछे रह जाते हैं और उसे मृत मान लिया जाता है। आर्यन यह पता लगाने के अपने प्रयासों से विफल रह जाते हैं कि एपी वास्तव में कौन था। उसके बाद दोस्तों सभी की मदद से आगे बढ़ते हुए आर्यन नहर के निर्माण को रोकने और अदालत में ये साबित करने में सक्षम है कि राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित था और रामायण की कहानी सच्चे बताया। उसके बाद अशोक जो है वाटिका, उनके अलावा सीता, अमन मंदिर वहाँ पे एला में गए जहाँ पे लंका के पुरातत्वतिक जो साक्ष्य ढूंढकर श्रीलंका में श्री पद की राम अस्तित्व में वो कर लेते हैं। बाद में अपने बचे हुए बैग से एपी के बारे में अधिक जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं। समय के बाद पता चलता है कि आर्यन को जय श्री राम यानी कि वाक्यांश में भरी एक डायरी मिली और एपी द्वारा कही गई बातों का विश्लेषण करने और डायरी देखने के बाद उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि एपी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान हनुमान थे, ऐसा उनका मानना था। जो आगे इसका अर्थ है कि एपी अभी भी जीवित है और वास्तव में अमर है और उसने आर्यन को राम के लिए सबूत लाने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था इस कहानी के अंदर। उसके बाद कहानी में जून 2022 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जो है दावा किया गया था कि राम सेतु नाटकीय रिलीज के बजाय ओटीटी रिलीज पर ये मूवी रिलीज होगी, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ये फिल्म अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों सम्राट पृथ्वीराज और 2022 में रिलीज हुई बच्चन पांडे 2022 के खराब प्रदर्शन के कारण हुआ था। इसकी वजह से फिल्म निर्माताओं ने इन रिपोर्टों को अप्रामाणिक बताते हुए स्पष्ट किया था कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के मौके पर फिल्म रिलीज हुई थी। इसी के साथ आपको बता दें बानर और भालू लंका तक यहाँ पे पुल बनाते हैं लेकिन नल और वहाँ पे नीला बैठे हुए राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हैं, जहाँ पे अनाम जो है वहाँ पे जल रंग सी यानी कि 1850 और उनके अहमियत भरा हुआ जो आप देखने को मिला था। राम सेतु को आलोचकों से बहुत ही नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टमाटोज पर फिल्म को 10 समीक्षकों के आधार पर 20 की अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को प्राप्त हुआ था। इसी के साथ दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दिया था इस मूवीज को रिव्यू करने के बाद, और साथ ही इस फिल्म को पैदल यात्री का अनुभव करार दिया और कहा कि वह केवल अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में रुचि रखते हैं, कि वह निर्देशक ने अक्षय कुमार के चरित्र को एक गैर वनित्व और नास्तिक से सोशल मीडिया प्रचार के बदलने के लिए स्क्रिप्ट में कोई भी विश्वसनीय प्रगति नहीं करके तथ्य और कल्पना के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कमजोर कहानी शो किया और स्पष्ट रूप से इच्छुक जो है बाहुबली की आलोचना भी की जो फिल्म के दृश्य प्रभाव
और कलाकारों के प्रदर्शन इसमें देखने को मिला था। लेकिन सत्यदेव की प्रशंसा की गई, जहां पे वेटिकेड ने यह भी लिखा है कि ये संभावित विस्फोटक सामग्री से निपटने वाली फिल्म के लिए आश्चर्यजनक रूप से सपाट था। यहां पे नम्रता जोशी ने स्क्रीन इंटरनेशनल के लिए समीक्षा करते हुए लिखा कि ये फिल्म कथानक में कमी जरूर पैदा करता है। उन्होंने बताया कि कहानी में कमी है और कल्पना और मौलिकता और बिना रोमांस के एक्शन दृश्य। उनका मानना था कि फिल्म में हिंदू वर्चस्व को चित्रित किया गया है। तभी दोस्तों बता दें, बल्कि कथा में छिपा हुआ है और वहां पे समांतर में हिंदू पीड़ित है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राम सेतु दक्षिण पंथी बॉलीवुड में एक और प्रचार फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार उनके अलावा ध्वज जवाह के रूप में काम करते हैं। और वही भी दोस्तों, फिल्म जो अप्रभावी निकली क्योंकि वहाँ पे सुभाष के झा ने फर्स्ट पोस्ट में लिखा है कि ये फिल्म हिंदुत्व विचारधारा पर आधारित है, जो बाद में खुद को पौराणिक कथाओं में ढाल लेती है। और उन्होंने कहा कि ये फिल्म हिंदुत्व समर्थक किसी भी फिल्म का मजाक उड़ाने और उसे कमजोर करने के वहाँ पे वापन पंथियों के बड़े प्रयासों का हिस्सा बना हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि फिल्म को सत्ता समर्थक प्रचार के रूप में समझना निर्धार होता है और उन्हें सत्यदेव को छोड़कर बाकी सभी कलाकारों का प्रदर्शन निराश लगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म को इंडियाना जोन्स जैसे साहसिक कार्य के बजाय आस्था बनाम और इसके अलावा अंधविश्वास की बहस पर केंद्रित किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक अन्य रिव्यूअर्स ने NDTV के तरफ से समीक्षा करते हुए सैबल चटर्जी ने लिखा है, इन्होंने अपने रिव्यू में 1.5 स्टार दिया है और लिखा है, फिल्म भारतीय इतिहास के बारे में ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करने में कामयाब है जो इतिहास पौराणिक कथाओं और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। वहीं वैज्ञानिक और उसके अलावा विद्वानों ने अध्ययन समाप्त नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म खराब ढंग से लिखी गई ही कहानी जो घटिया तरीके से बनाया गया है और खराब अभिनय किया गया है, जो आदिम दृश्य प्रभाव के साथ एक अंजाम दल को प्रस्तुत किया गया है, जो अंत तक राम के अविश्वासियों को दंडित करने के लिए एक संदेश प्रस्तुत करती है। वहीं पे डी प्रिंट के लिए समीक्षा करते हुए टीना दास ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि फिल्म दर्शकों को ये समझने की कोशिश किया गया है कि हिंदू धर्म और सामान्य रूप से धर्म उन्हें मुक्ति जरूर दिलाता है। उन्होंने इंडियाना जोन्स और इसके अलावा नेशनल ट्रेजर के नायकों की नकल करने की कोशिश के बावजूद अक्षय कुमार के प्रदर्शन को असंबद्ध बताया गया। उन्होंने लिखा कि फिल्म में इतिहास और इसके अलावा मिथन के साथ साथ हिंदुत्व विचारधारकों को भी शामिल किया गया है, जो कि दृश्य प्रभाव और CGI उनके अलावा एनिमेशन को दोषपूर्ण बताया गया। उनका मानना था कि यदि कोई इन बारीकियों को नज़रअंदाज करने में सफल होता है तो फिल्म रोमांचककारी होगी। तभी इस क्रोल इन में नंदिनी रामनाथ ने लिखा है, सेतु की आलोचना करते हुए इसे दृश्य प्रभाव के साथ व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी बताया गया। उन्होंने लिखा है कि टीव उस कथा में तर्क यह है कि बुनियादी सामान्य ज्ञान के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ा है, जो इस बात पर जोर देती है कि धार्मिक विश्वास को वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष ज्ञान से ऊपर खा जाए। और वहाँ पे उन्होंने कथानक और कलाकारों के प्रदर्शन में भी कमी बताई थी। इसके अलावा दोस्तों, द हिंदू के अनुज कुमार जी ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, ये फिल्म सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मूवीज है। और आगे उन्होंने कहा है, उसकी तुलना में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित की गई और वहीं पे कश्मीर फाइल्स मूवी 2022 से की गई, जहां दोनों फिल्मों में हिंदू समाज के भीतर उदार और वहां पे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को एक खतरे के रूप में दर्शाया गया है। इससे बता दें, निपटने की जरूरत है। दोनों फिल्में वहाँ पे बहुसंख्याओं के उत्पीड़न के दृष्टिकोण से लिखी गई थी और वह हिंदुओं को वहाँ पे उपदेश देती है कि वह यहाँ पे सभ्यताओं के बीच युद्ध के बीच में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में विरोधाभासी विचार रखने वालों को दर्शाया गया है और वहाँ पे जिन लोगों को राम में आस्था नहीं है उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जानी है। उन्होंने पाया कि वहाँ पे कलाकारों का प्रदर्शन घटिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं राम सेतु मूवीज़ के बारे में।
बता दें फ्रेंड्स आपको ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर मूवी है। और वहीं पे फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा ने इस फिल्म में अभिनय किया था। उनके अलावा सत्यदेव भी इस फिल्म के अंदर अहम भूमिकाओं में नजर आए हुए थे। वहीं पे दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी पुरातत्वविद पर आधारित है, जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करने के लिए अक्षय कुमार की टीम फिल्म के अंदर निकल पड़ते हैं, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है दुनिया में। वहीं इस फिल्म की घोषणा के बारे में बात की जाए तो इस मूवीज की घोषणा नवंबर के महीने 2020 में कर दी गई थी, जिसकी प्रमुख फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कोविड-19 महामारी के बीच उत्पादन को असफलताओं और देरी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था और कुल मिलाकर अक्टूबर 2021 में फिर से इस मूवीज का शूटिंग शुरू हुआ और उसके बाद जनवरी 2022 में ऊटी, उसके अलावा गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया गया था। तभी दोस्तों राम सेतु फिल्म को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा ज़्यादा देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, लेकिन ये फिल्म अपने 110 करोड़ के बजट की भरपाई करने में बॉक्स ऑफिस में विफल रही थी उस वक्त। वहीं दोस्तों आपको बता दें कहानी में एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको बता दें नासा के उपग्रह चित्र में इस चीज को दिखाया गया था। वहीं भारत शीर्ष पर, श्रीलंका सबसे नीचे पर रैंक करता है उस जगहों पर। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के संपादन के बारे में बात की जाए तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के निर्देशक अभिषेक शर्मा जी ने 2007 से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले के बारे में पता चला तब फिल्म का सह निर्माण अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया को दे दिया गया इसका जिम्मा। राम सेतु फिल्म के लिए सबसे पहले अक्षय कुमार की माँ को चुना गया था इस फिल्म के निर्माता के लिए अरुणा भाटिया जी को और विक्रम मल्होत्रा द्वारा प्रोडक्शन कंपनियों और उसके अलावा अक्षय कुमार के केप ऑफ गुड फिल्म द्वारा इस मूवीज को बनाया गया। उनके अलावा अम्बदेसिया एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म को प्रोडक्शन किया, साथ ही साथ लाइका प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत इस मूवीज को बनाया गया था और ये फिल्म भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। वहीं आपको बता दें अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया था। उसके बाद दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में फिल्म में साइन किया गया था। उसके बाद अक्षय कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। तभी बता दें अम्बुदातिया एंटरटेनमेंट के सीईओ सह निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और इसके अलावा ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी बताया। वही फिल्म की टीम ने डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 की किताब पर पुस्तक के साथ साथ जो है पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श लिया था इस मूवीज की कहानी के लिए। इसी के साथ दोस्तों मार्च 2021 की शुरुआत में ही मीडिया रिपोर्ट ने पुष्टि किया था कि जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा को कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। तभी जून 2021 में सत्यदेव कंचना ने खुलासा किया था कि वह हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगे। वहीं फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के अवसर पर किया गया। तभी दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के गौतम बुद्ध नगर जिले में किया जाएगा और प्रस्तावित है बताया गया। वहीं पे दोस्तों बता दें फिल्म सिटी में होगी ये भी चीज थी, जो 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में टीम द्वारा वहां पे पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट आयोजित किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवीज की फोटोग्राफी 2020 में ही शुरू होने वाली थी। वहीं मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पैरी घाटी के एक नियोजित यात्रा लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित भीड़ के कारण वहां पे रद्द कर दी गई, क्योंकि दोस्तों लोगों का भीड़ नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, इसकी वजह से वहां पे फिल्म को शूट नहीं किया गया। और 2020 के बाद आपको पता है इंडिया में कोविड-19 लग गया था। मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई, जहां पे मर्द द्वीप पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया। वहीं शूटिंग 5 अप्रैल को शुरू होने वाली थी,
हालांकि 4 अप्रैल को कुमार का कोविड 19 परीक्षण सकारात्मक आया, जो एक दिन बाद 5 अप्रैल को फिल्मांकन दल के 45 सदस्यों ने सकारात्मक परीक्षण किया, जिसका कारण फिल्मांकन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। सह निर्माता मल्होत्रा ने रिपोर्ट का खंडन किया, जहां पे दावा किया गया था कि वह बिल्कुल गलत है इस चीज के लिए, और तथ्यों की पूरी तरह से गलत व्याख्या किया गया, और फिर कहा गया था कि एक ऑफ लोकेशन से प्रशिक्षण स्थल पर सकारात्मक प्रशिक्षण करने वाले 25 लोगों को उन लोगों से हटा दिया गया था जो इसका हिस्सा बनने के लिए योग्य नहीं थे। उसके बाद उस समय महाराष्ट्र सरकार ने कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के प्रसारणों को रोकने के लिए तालाबंदी लगा दी, और इसके साथ ही क्रू के कई सदस्यों के सकारात्मक प्रशिक्षण के कारण फिल्म निर्माताओं को मुंबई शेड्यूल रद्द करना पड़ा और मध्य पर सेट को ध्वस्त करना पड़ा। तभी इसके बाद अक्षय कुमार अपनी अन्य फिल्मों पर काम करने चले गए, जिनमें से रक्षाबंधन मूवी शामिल थी, उसके अलावा कठपुतली भी शामिल थी, जिसका लंदन में 2 महीने का लंबा शेड्यूल लगाया गया था जो अक्टूबर में समाप्त हुआ। ये शूटिंग कठपुतली फिल्म की शूटिंग समाप्त होने के बाद अक्षय कुमार सीधे राम सेतु की शूटिंग पर वापस लौट आए थे, लेकिन इसके पहले के रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि वह फिल्मांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरू होगा। हालांकि वह केवल अक्टूबर 2021 के मध्य में ऊटी में एक शेड्यूल के साथ शुरू हुआ। वहीं प्रमुख पानी के नीचे के एक्शन दृश्य, समुद्री शूटिंग और चर्मोत्कर्ष को श्रीलंका में शूट किया गया था। श्रीलंका में कोविड 19 महामारी के कारण यह संभव नहीं था, जिससे फिल्मांकन टीम के लिए वहाँ पे संगरोध प्रतिबंधों के तहत यात्रा करना मुश्किल हो गया था। वहीं फिल्म निर्माता ने केरल और गुजरात में वैकल्पिक स्थान की तलाश की, जहाँ पे केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण इसका चयन नहीं किया गया। अंत में दमन और दीव को शूटिंग के लिए चुना ही गया, और कुछ दृश्य मुंबई में भी फिल्माए गए थे, और उसके बाद अनुक्रम हफ्ते में भी शूट किया गया था, जो 5 दिसंबर तक दीव में शूटिंग पूरी हो गई थी। फाइनली 31 जनवरी 2022 को अक्षय कुमार ने शूटिंग पूरी की, जो पानी के नीचे के दृश्यों के लिए एक वास्तविक एक्शन शूट का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इसे पहनने और इसमें शूटिंग करने की चुनौतियों के कारण टीम ने एक प्रतिकृति का विकल्प चुना, और ये फिल्म 150 करोड़ या फिर यूएस में कन्वर्ट कर दे तो 19 मिलियन की लागत से बनाई गई थी, और फिल्म का बजट 85 करोड़ भी बताया जाता है। तभी दोस्तों बताते चले आपको, अप्रैल 2022 के एंड में फिल्म निर्माता ने अक्षय कुमार, उनके अलावा सत्यदेव और फर्नांडिस को दर्शाते हुए एक पोस्टर जारी किया था, पोस्टर जो कि वायरल हो गया जल्द ही सोशल मीडिया पर, और वहीं पे मीम्स के रूप में साइबर ट्रोलिंग का शिकार हो गया ये पोस्टर, क्योंकि अक्षय कुमार एक जलती हुई बहुत ही बड़ी मशाल पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे पोस्टर में, जबकि फर्नांडिस एक शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी पकड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और अक्टूबर में फिल्म निर्माताओं ने एक ही मोबाइल गेम जारी किया, जिसमें फिल्म के मुख्य पात्र डॉक्टर आर्यन, उनके अलावा कुलश्रेष्ठ और सेंड्रा और एपी इन सभी चीज़ों में शामिल थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों कहानी के अंदर ASI पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और वह भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। फिर उन्होंने पहले ही भारत और पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर काम किया था। टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की थी, और उसके बाद दोनों अफगानिस्तान में वहां पे बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद वहां पे थे, जहां पे दाहिर का खजाना बाद में मिला था। तभी इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, ये चीज भी देखने को मिला है। साल 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के वजह से राम सेतु पुल को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है, यानी कि वो ऑटोमेटिक बना हुआ है। उन्होंने शुरू में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद बता दें उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि वहाँ पे रामायण एक महाकाव्य कथा है, इतिहास नहीं है बताया। और फिर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया, कहानी में उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार करना नहीं चाहिए,
इस प्रकार उसे पूरी शत्रुता का सामना करना पड़ गया है। उसके बाद अदालत में वहां पे हलफनामे के रूप में प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट से सरकार अपमानित होती है क्योंकि यह राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा था कहानी में। और तभी जनता गुस्से में आ गई मूवीज के अंदर। इसके परिणाम के रूप में आर्यन को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है और वहाँ पे दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ी और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। उसके बाद इस बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला था। इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन और पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहते हैं और उनका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उनके जहाज़ों को लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, इसलिए वह चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए और फिर जो है आर्यन को राम सेतु के पुरातत्वीय अन्वेषण और इसके अलावा अनुसंधान में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश किया जाए। उसके बाद यहाँ पर जनता की अधिक शत्रुता के डर से वह इसे अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन अपने बेटे के साथ हुई घटनाओं को याद करने के बाद वह सच्चाई साबित करने का फैसला करते हैं। इसलिए बता दें आर्यन मिशन को स्वीकार करते हैं और फिर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बाली और साथी वैज्ञानिकों को डॉक्टर सेंड्रा उनके अलावा रेबेलो जेगले फर्नांडिस और डॉक्टर गेबेरियर से मिलकर ये काम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गेबेरियर से मिलते हैं जिन्होंने उसके साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया है और प्रारंभिक जो है सोच से पता चलता है कि राम सेतु 18,000 वर्ष पुराना है जो सुबह राम से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। उसके बाद एक और रिपोर्ट में बताया जाता है कि 7,000 वर्ष से भी अधिक पहले पैदा हुआ था और ये फिर आर्यन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह राम सेतु से एक और तैरती हुई चट्टान लाने का फैसला करते हैं और उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। फिर वह गहरे पानी में भी निकल पड़ते हैं और वहाँ पे मूंगा चट्टानों का पता लगाते हैं। इससे ये सिद्ध होने लगता है कि राम सेतु सचमुच लगभग जो है 7,000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित की गई है और इसके राम द्वारा निर्मित होने की संभावना भी है, उनका ये मानना है। फिर वह इसकी जो है सूचना इंद्रकांत को देते हैं जो कि मिशन के प्रति आर्यन की निष्पक्षता की सराहना करते हैं। हालांकि इंद्रकांत केवल यह प्रमाण चाहते हैं कि राम सेतु राम से भी पूर्ण है और इसलिए इसे उन्होंने नहीं बनाया है ताकि वह वहां पर संरचना को ध्वस्त कर सके और अपनी परियोजना के लिए धन और ईंधन बचा सके। फिर उसने तीनों को मार डालने का फैसला किया। तभी वहाँ पर राम सेतु से अधिक चट्टान निकलने के एक अन्य मिशन पर डॉक्टर ग्रेबियल, डॉक्टर सेंड्रा और वहाँ पर रेबेलो और आर्यन गहरे पानी में निकल पड़ते हैं। उसके बाद वहाँ पर अचानक उनकी जो है पनडुब्बी काम करना बंद कर देती है और वह फंस जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण वह वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर ग्रेबियल ने चतुराई से काम करते हुए तैरते हुए पत्थर को अपने साथ ले लिया क्योंकि उन्हें वहाँ पर बाली पर संदेह था और बीच समुद्र में उन्हें नाव पर सवार एक व्यक्ति वहाँ पे नजर आता है। वह आदमी वहाँ पे पुष्प कुमार एपी सत्यदेव द्वारा बचाए जाते हैं। फिर उन्हें जो है बचाते हैं और श्रीलंका के एक सुदीर द्वीप पर उनको लेकर जाते हैं जो वर्तमान में चल रहे वहाँ पे गृह युद्ध से प्रभावित है। उसके बाद वो तीनों उनके मकसद में मदद करने के लिए सहमत हुआ और फिर वह कहता है कि वह उनकी मदद करेगा लेकिन केवल आर्थिक लाभ के लिए। बाली को पता चलता है कि पत्थर गायब हो गया है और वह उनका पीछा करने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पे एपी उन्हें सीमा पार करने में मदद करते हैं और फिर पीछा करने में पत्थर जो है गायब हो जाता है। एपी स्थानीय पुलिस की मदद लेने में कामयाब होते हैं जो उन्हें हेलीकॉप्टर से बचा लिया जाता है। उसके बाद तीनों हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रेबियल जो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी उसे बाली ने गोली मार दी। तभी दोस्तों वहाँ पे वह मर गई। अब जो है आर्यन और सेंड्रा और उसके अलावा एपी के साथ मिलकर श्रीलंका में सीमाओं के पार अपना जो है शोध करने के और राम सेतु के अस्तित्व को साबित करने का फैसला किया है, जिसमें रावण का अस्तित्व भी छुपा हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ा सबूत होगा कि राम सेतु प्राकृतिक नहीं था बल्कि राम द्वारा बनाया गया था।
उसके बाद वहाँ से वो भागने की प्रयास के दौरान वहाँ पे एपी पीछे रह जाते हैं और उसे मृत मान लिया जाता है। आर्यन यह पता लगाने के अपने प्रयासों से विफल रह जाते हैं कि एपी वास्तव में कौन था। उसके बाद दोस्तों सभी की मदद से आगे बढ़ते हुए आर्यन नहर के निर्माण को रोकने और अदालत में ये साबित करने में सक्षम है कि राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित था और रामायण की कहानी सच्चे बताया। उसके बाद अशोक जो है वाटिका, उनके अलावा सीता, अमन मंदिर वहाँ पे एला में गए जहाँ पे लंका के पुरातत्वतिक जो शख्स ढूंढकर श्रीलंका में श्री पद की राम अस्तित्व में वो कर लेते हैं। बाद में अपने बचे हुए बैग से एपी के बारे में अधिक जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं। समय के बाद पता चलता है कि आर्यन को जय श्री राम यानी कि वाक्यांश में भरी एक डायरी मिली और एपी द्वारा कही गई बातों का विश्लेषण करने और डायरी देखने के बाद उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि एपी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान हनुमान थे, ऐसा उनका मानना था, जो आगे इसका अर्थ है कि एपी अभी भी जीवित है और वास्तव में अमर है और उसने आर्यन को राम के लिए सबूत लाने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था इस कहानी के अंदर। उसके बाद कहानी में जून 2022 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जो है दावा किया गया था कि राम सेतु नाटक रिलीज के बजाय ओटीटी रिलीज पर ये मूवी रिलीज होगी, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ये फिल्म अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों सम्राट पृथ्वीराज और 2022 में रिलीज हुई बच्चन पांडे 2022 के खराब प्रदर्शन के कारण हुआ था। इसकी वजह से फिल्म निर्माताओं ने इन रिपोर्टों को अप्रामाणिक बताते हुए स्पष्ट किया था कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के मौके पर फिल्म रिलीज हुई थी। इसी के साथ आपको बता दें बानर और भालू लंका तक यहाँ पे पुल बनाते हैं लेकिन नल और वहाँ पे नीला बैठे हुए राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हैं, जहाँ पे अनाम जो है वहाँ पे जल रंग सी यानी कि 1850 और उनके अहमियत भरा हुआ जो आप देखने को मिला था। राम सेतु को आलोचकों से बहुत ही नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म को 10 समीक्षकों के आधार पर 20 की अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को प्राप्त हुआ था। इसी के साथ दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दिया था इस मूवीज को रिव्यू करने के बाद, और साथ ही इस फिल्म को पैदल यात्री का अनुभव करार दिया और कहा कि वह केवल अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में रुचि रखते हैं कि वह निर्देशक ने अक्षय कुमार के चरित्र को एक गैर वनित्व और नास्तिक से सोशल मीडिया प्रचार के बदलने के लिए स्क्रिप्ट में कोई भी विश्वसनीय प्रगति नहीं करके तथ्य और कल्पना के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कमजोर कहानी शो किया और स्पष्ट रूप से इच्छुक जो है बाहुबली की आलोचना भी की, जो फिल्म के दृश्य प्रभाव और कलाकारों के प्रदर्शन इसमें देखने को मिला था। लेकिन सत्यदेव की प्रशंसा की गई जहाँ पे वेटिकेड ने ये भी लिखा है कि ये संभावित विस्फोटक सामग्री से निपटने वाली फिल्म के लिए आश्चर्यजनक रूप से सपाट था। यहाँ पे नम्रता जोशी ने स्क्रीन इंटरनेशनल के लिए समीक्षा करते हुए लिखा कि ये फिल्म कथानक में कमी जरूर पैदा करता है। उन्होंने बताया कि कहानी में कमी है और कल्पना और मौलिकता और बिना रोमांस के एक्शन दृश्य, उनका मानना था कि फिल्म में हिंदू वर्चस्व को चित्रित किया गया है। तभी दोस्तों बता दें बल्कि कथा में छिपा हुआ है और वहाँ पे समांतर में हिंदू पीड़ित है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राम सेतु दक्षिण पंथी बॉलीवुड में एक और प्रचार फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार उनके अलावा ध्वजवाह के रूप में काम करते हैं और वही भी दोस्तों फिल्म जो अप्रभावी निकली क्योंकि वहाँ पे सुभाष के झा ने फर्स्ट पोस्ट में लिखा है कि ये फिल्म हिंदुत्व विचारधारा पर आधारित है जो बाद में खुद को पौराणिक कथाओं में ढाल लेती है, और उन्होंने कहा कि ये फिल्म हिंदुत्व समर्थक किसी भी फिल्म का मजाक उड़ाने और उसे कमजोर करने के वहाँ पे वापन पंजियों के बड़े प्रयासों का हिस्सा बना हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि फिल्म को सत्ता समर्थक प्रचार के रूप में समझना निर्धार होता है और उन्हें सत्यदेव को छोड़कर बाकी सभी कलाकारों का प्रदर्शन निराश लगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म को इंडियाना जोन्स जैसे साहसिक कार्य के बजाय आस्था बनाम और इसके अलावा अंधविश्वास की बहस पर केंद्रित किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य रिव्यूअर्स ने एनडीटीवी के तरफ से समीक्षा करते हुए सैबल चटर्जी ने लिखा है, इन्होंने अपने रिव्यू में 1.5 स्टार दिया है और लिखा है फिल्म भारतीय इतिहास के बारे में ऐसे
सिद्धांत प्रस्तुत करने में कामयाब है जो इतिहास पौराणिक कथाओं और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। वहीं वैज्ञानिक और उसके अलावा विद्वानों ने अध्ययन समाप्त नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म खराब ढंग से लिखी गई ही कहानी जो घटिया तरीके से बनाया गया है और खराब अभिनय किया गया है जो आदिम दृश्य प्रभाव के साथ एक अंजाम दल को प्रस्तुत किया गया है जो अंत तक राम के अविश्वासियों को दंडित करने के लिए एक संदेश प्रस्तुत करती है। वहीं पे डीप प्रिंट के लिए समीक्षा करते हुए टीना दास ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि फिल्म दर्शकों को ये समझने की कोशिश किया गया है कि हिंदू धर्म और सामान्य रूप से धर्म उन्हें मुक्ति जरूर दिलाता है। उन्होंने इंडियाना जोन्स और इसके अलावा नेशनल ट्रेजर के नायकों की नकल करने की कोशिश के बावजूद अक्षय कुमार के प्रदर्शन को असंबद्ध बताया गया। उन्होंने लिखा कि फिल्म में इतिहास और इसके अलावा मिथन के साथ साथ हिंदुत्व विचारधारकों को भी शामिल किया गया है जो कि दृश्य प्रभाव और CGI उनके अलावा एनिमेशन को दोषपूर्ण बताया गया। उनका मानना था कि यदि कोई इन बारीकियों को नज़रअंदाज करने में सफल होता है तो फिल्म रोमांचककारी होगी। तभी इस क्रूर इनमें नंदिनी रामनाथ ने लिखा है सेतु की आलोचना करते हुए इसे दृश्य प्रभाव के साथ व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी बताया गया। उन्होंने लिखा है कि टीव उस कथा में तर्क किए है कि बुनियादी सामान्य ज्ञान के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ा है जो इस बात पर जोर देती है कि धार्मिक विश्वास को वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष ज्ञान से ऊपर खा जाए और वहाँ पे उन्होंने कथानक और कलाकारों के प्रदर्शन में भी कमी बताई थी। इसके अलावा दोस्तों द हिंदू के अनुज कुमार जी ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा ये फिल्म सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मूवीज है और आगे उन्होंने कहा है उसकी तुलना में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित की गई और वहीं पे कश्मीर फाइल्स मूवी 2022 से की गई जहां दोनों फिल्मों में हिंदू समाज के भीतर उदार और वहां पे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को एक खतरे के रूप में दर्शाया गया है। इससे बता दें निपटने की जरूरत है। दोनों फिल्में वहाँ पे बहुसंख्याओं के उत्पीड़न के दृष्टिकोण से लिखी गई थी और वह हिंदुओं को वहाँ पे उपदेश देती है कि वह यहाँ पे सभ्यताओं के बीच युद्ध के बीच में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में विरोधाभासी विचार रखने वालों को दर्शाया गया है और वहाँ पे जिन लोगों को राम में आस्था नहीं है उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जानी है। उन्होंने पाया कि वहाँ पे कलाकारों का प्रदर्शन घटिया था। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं राम सेतु मूवीज के बारे में। बता दें फ्रेंड्स आपको ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर मूवी है और वहीं पे फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा ने इस फिल्म में अभिनय किया था। उनके अलावा सत्यदेव भी इस फिल्म के अंदर अहम भूमिकाओं में नजर आए हुए थे। वहीं पे दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी पुरातत्वविद पर आधारित है जो राम सेतु की प्रकृति की जाँच करने के लिए अक्षय कुमार की टीम फिल्म के अंदर निकल पड़ते हैं। इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है दुनिया में। वहीं इस फिल्म की घोषणा के बारे में बात की जाए तो इस मूवीज की घोषणा नवंबर के महीने 2020 में कर दी गई थी। इसकी प्रमुख फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें COVID-19 महामारी के बीच उत्पादन को असफलताओं और देरी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था और कुल मिलाकर अक्टूबर 2021 में फिर से इस मूवीज का शूटिंग शुरू हुआ और उसके बाद जनवरी 2022 में ऊटी, उसके अलावा गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया गया था। तभी दोस्तों राम सेतु फिल्म को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा ज़्यादा देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की लेकिन ये फिल्म अपने 110 करोड़ के बजट की भरपाई करने में बॉक्स ऑफिस में विफल रही थी उस वक्त। वहीं दोस्तों आपको बता दें कहानी में एडम ब्रिज जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको बता दें नासा के उपग्रह चित्र में इस चीज को दिखाया गया था। वहीं भारत शीर्ष पर श्रीलंका सबसे नीचे पर रैंक करता है उस जगहों पर।
इसके अलावा दोस्तों फिल्म के संपादन के बारे में बात की जाए तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के निर्देशक अभिषेक शर्मा जी ने 2007 से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले के बारे में पता चला तब फिल्म का सह निर्माण अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया को दे दिया गया इसका जिम्मा। राम सेतु फिल्म के लिए सबसे पहले अक्षय कुमार की मां को चुना गया था। इस फिल्म के निर्माता के लिए अरुणा भाटिया जी को और विक्रम मल्होत्रा द्वारा प्रोडक्शन कंपनी और उसके अलावा अक्षय कुमार के केप ऑफ गुड फिल्म द्वारा इस मूवीज को बनाया गया। उनके अलावा अम्बदेसिया एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म को प्रोडक्शन किया। साथ ही साथ लाइका प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत इस मूवीज को बनाया गया था और ये फिल्म भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। वहीं आपको बता दें अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया था। उसके बाद दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में फिल्म में साइन किया गया था। उसके बाद अक्षय कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। तभी बता दें अम्बुदातिया एंटरटेनमेंट के CEO सह निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों विज्ञान और इसके अलावा ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी बताया। वही फिल्म की टीम ने डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 पर 2004 की किताब पर पुस्तक के साथ साथ जो है पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श लिया था इस मूवीज की कहानी के लिए। इसी के साथ दोस्तों मार्च 2021 की शुरुआत में ही मीडिया रिपोर्ट ने पुष्टि किया था कि जैकलिन फर्नांडिज और नुसरत भरूचा को कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। तभी जून 2021 में सत्यदेव कंचना ने खुलासा किया था कि वह हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगे। वहीं फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के अवसर पर किया गया। तभी दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के गौतम बुद्ध नगर जिले में किया जाएगा और प्रस्तावित है बताया गया। वहीं पे दोस्तों बता दें फिल्म सिटी में होगी ये भी चीज थी जो 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में टीम द्वारा वहां पे पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट आयोजित किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवीज की फोटोग्राफी 2020 में ही शुरू होने वाली थी। वहीं मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पैरी घाटी के एक नियोजित यात्रा लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित भीड़ के कारण वहां पे रद्द कर दी गई क्योंकि दोस्तों लोगों का भीड़ नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था जिसकी वजह से वहां पे फिल्म को शूट नहीं किया गया। और 2020 के बाद आपको पता है इंडिया में कोविड-19 लग गया था। मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई जहाँ पे मर्ड डी पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया। वहीं शूटिंग 5 अप्रैल को शुरू होने वाली थी हालांकि 4 अप्रैल को कुमार का कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आया जो एक दिन बाद 5 अप्रैल को फिल्मांकन दल के 45 सदस्यों ने सकारात्मक परीक्षण किया जिसका कारण फिल्मांकन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। सह निर्माता मल्होत्रा ने रिपोर्ट का खंडन किया जहां पे दावा किया गया था कि वह बिल्कुल गलत है इस चीज़ के लिए और तथ्यों की पूरी तरह से गलत व्याख्या किया गया और फिर कहा गया था कि एक ऑफ लोकेशन से प्रशिक्षण स्थल पर सकारात्मक प्रशिक्षण करने वाले 25 लोगों को उन लोगों से हटा दिया गया था जो इसका हिस्सा बनने के लिए योग्य नहीं थे। उसके बाद उस समय महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रसारणों को रोकने के लिए तालाबंदी लगा दी और इसके साथ ही क्रू के कई सदस्यों के सकारात्मक प्रशिक्षण के कारण फिल्म निर्माताओं को मुंबई शेड्यूल रद्द करना पड़ा और मध्य पर सेट को ध्वस्त करना पड़ा। तभी इसके बाद अक्षय कुमार अपनी अन्य फिल्मों पर काम करने चले गए जिनमें से रक्षाबंधन मूवी शामिल थी। उसके अलावा कठपुतली भी शामिल थी जिसका लंदन में 2 महीने का लंबा शेड्यूल लगाया गया था जो अक्टूबर में समाप्त हुआ ये शूटिंग। कठपुतली फिल्म की शूटिंग समाप्त होने के बाद अक्षय कुमार सीधे राम सेतु की शूटिंग पर वापस लौट आए थे लेकिन इसके पहले की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि वह फिल्मांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरू होगा। हालांकि वह केवल अक्टूबर 2021 के मध्य में ऊटी में एक शेड्यूल के साथ शुरू हुआ। वहीं प्रमुख पानी के नीचे के एक्शन दृश्य समुद्री शूटिंग और चर्मोत्कर्ष को श्रीलंका में शूट किया गया था। श्रीलंका में कोविड-19 महामारी के कारण ये संभव नहीं था जिससे फिल्मांकन टीम के लिए वहां पे संगरोध प्रतिबंधों के तहत यात्रा करना मुश्किल हो गया था। वहीं फिल्म निर्माता ने
केरल और गुजरात में वैकल्पिक स्थान की तलाश की, जहां पे केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण इसका चयन नहीं किया गया। अंत में दमन और दीव को शूटिंग के लिए चुना ही गया और कुछ दृश्य मुंबई में भी फिल्माए गए थे और उसके बाद अनुक्रम हफ्ता में भी शूट किया गया था, जो 5 दिसंबर तक के दीव में शूटिंग पूरी हो गई थी। फाइनली 31 जनवरी 2022 को अक्षय कुमार ने शूटिंग पूरी की, जो पानी के नीचे के दृश्यों के लिए एक वास्तविक एक्शन शूट का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इसे पहनने और इसमें शूटिंग करने की चुनौतियों के कारण टीम ने एक प्रतिकृति का विकल्प चुना और ये फिल्म 150 करोड़ या फिर यूएस में कन्वर्ट कर दे तो 19 मिलियन की लागत से बनाई गई थी और फिल्म का बजट 85 करोड़ भी बताया जाता है। तभी दोस्तों बताते चले आपको, अप्रैल 2022 के एंड में फिल्म निर्माता ने अक्षय कुमार, उनके अलावा सत्यदेव और फर्नांडिस को दर्शाते हुए एक पोस्टर जारी किया था, पोस्टर जो कि वायरल हो गया जल्द ही सोशल मीडिया पर और वहीं पे मीम्स के रूप में साइबर ट्रोलिंग का शिकार हो गया ये पोस्टर, क्योंकि अक्षय कुमार एक जलती हुई बहुत ही बड़ी मशाल पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे पोस्टर में, जबकि फर्नांडिस एक शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी पकड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और अक्टूबर में फिल्म निर्माताओं ने एक ही मोबाइल गेम जारी किया, इसमें फिल्म के मुख्य पात्र डॉक्टर आर्यन, उनके अलावा कुलश्रेष्ठ और सिंड्रा और एपी, इन सभी चीज़ों में शामिल थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों कहानी के अंदर ASI पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वह भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। फिर उन्होंने पहले ही भारत और पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर काम किया था। टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की थी और उसके बाद दोनों अफगानिस्तान में वहां पे बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद वहां पे थे, जहां पे दाहिर का खजाना बाद में मिला था। तभी इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, ये चीज़ भी देखने को मिला है। साल 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के वजह से राम सेतु पुल को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है, यानी कि वो ऑटोमेटिक बना हुआ है। उन्होंने शुरू में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद बता दें उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि वहाँ पे रामायण एक महाकाव्य कथा है, इतिहास नहीं है बताया। और फिर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया। कहानी में उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार करना नहीं चाहिए, इस प्रकार उसे पूरी शत्रुता का सामना करना पड़ गया है। उसके बाद अदालत में वहाँ पे हल्फनामे के रूप में प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट से सरकार अपमानित होती है क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा था कहानी में। और तभी जनता गुस्से में आ गई मूवीज के अंदर, इसके परिणाम के रूप में आर्यन को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है और वहाँ पे दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ी और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। उसके बाद इस बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला था। इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन और पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहते हैं और उनका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उनके जहाज़ों को लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, इसलिए वह चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए और फिर जो है आर्यन को राम सेतु के बुरा तत्व जो अन्वेषण और इसके अलावा अनुसंधान में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश किया जाए। उसके बाद यहां पर जनता की अधिक शत्रुता के डर से वह इसे अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन अपने बेटे के साथ हुई घटनाओं को याद करने के बाद वह सच्चाई साबित करने का फैसला करते हैं। इसलिए बता दें आर्यन मिशन को स्वीकार करते हैं और फिर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बाली और साथी वैज्ञानिकों को डॉक्टर सेंड्रा, उनके अलावा रेबेलो जेगले फर्नांडिस और डॉक्टर गेबेरियर से मिलकर ये काम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गेबेरियर से मिलते हैं जिन्होंने उसके साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया है और प्रारंभिक जो है सोच से पता चलता है कि राम सेतु 18,000 वर्ष पुराना है, जो राम से भी बहुत ज़्यादा पुराना है।
उसके बाद एक और रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये 7,000 वर्ष से भी अधिक पहले पैदा हुआ था और ये फिर आर्यन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह राम सेतु से एक और तैरती हुई चट्टान लाने का फैसला करते हैं और उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। फिर वह गहरे पानी में भी निकल पड़ते हैं और वहाँ पे मूंगा चट्टानों का पता लगाते हैं। इससे ये सिद्ध होने लगता है कि राम सेतु सचमुच लगभग जो है 7,000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित की गई है और इसके राम द्वारा निर्मित होने की संभावना भी है, उनका ये मानना है। फिर वह इसकी जो है सूचना इंद्रकांत को देते हैं जो कि मिशन के प्रति आर्यन की निष्पक्षता की सराहना करते हैं। हालांकि इंद्रकांत केवल यह प्रमाण चाहते हैं कि राम सेतु राम से भी पूर्ण है और इसलिए इसे उन्होंने नहीं बनाया है ताकि वह वहां पर संरचना को ध्वस्त कर सके और अपनी परियोजना के लिए धन और ईंधन बचा सके। फिर उसने तीनों को मार डालने का फैसला किया, तभी वहाँ पर राम सेतु से अधिक चट्टान निकलने के एक अन्य मिशन पर डॉक्टर ग्रेबियल, डॉक्टर सेंड्रा और वहाँ पर रेबेलो और आर्यन गहरे पानी में निकल पड़ते हैं। उसके बाद वहाँ पर अचानक उनकी जो है पनडुब्बी काम करना बंद कर देती है और वह फंस जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण वह वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर ग्रेबियल ने चतुराई से काम करते हुए तैरते हुए पत्थर को अपने साथ ले लिया क्योंकि उन्हें वहाँ पे बाली पर संदेह था और बीच समुद्र में उन्हें नाव पर सवार एक व्यक्ति वहाँ पे नजर आता है। वह आदमी वहाँ पे पुष्प कुमार एपी सत्यदेव द्वारा बचाए जाते हैं, फिर उन्हें जो है बचाते हैं और श्रीलंका के एक सुदीर्घ द्वीप पर उनको लेकर जाते हैं जो वर्तमान में चल रहे वहाँ पे गृह युद्ध से प्रभावित है। उसके बाद वो तीनों उनके मकसद में मदद करने के लिए सहमत हुआ और फिर वह कहता है कि वह उनकी मदद करेगा लेकिन केवल आर्थिक लाभ के लिए। बाली को पता चलता है कि पत्थर गायब हो गया है और वह उनका पीछा करने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पे एपी उन्हें सीमा पार करने में मदद करते हैं और फिर पीछा करने में पत्थर जो है गायब हो जाता है। एपी स्थानीय पुलिस की मदद लेने में कामयाब होते हैं जो उन्हें हेलीकॉप्टर से बचा लिया जाता है। उसके बाद तीनों हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन वहाँ पे ग्रेबियल जो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी उसे बाली ने गोली मार दी, तभी दोस्तों वहाँ पे वह मर गई। अब जो है आर्यन और सेंड्रा और उसके अलावा एपी के साथ मिलकर श्रीलंका में सीमाओं के पार अपना जो है शोध करने के और राम सेतु के अस्तित्व को साबित करने का फैसला किया है जिसमें रावण का अस्तित्व भी छुपा हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ा सबूत होगा कि राम सेतु प्राकृतिक नहीं था बल्कि राम द्वारा बनाया गया था। उसके बाद वहाँ से वो भागने की प्रयास के दौरान वहाँ पे एपी पीछे रह जाते हैं और उसे मृत मान लिया जाता है। आर्यन यह पता लगाने के अपने प्रयासों से विफल रह जाते हैं कि एपी वास्तव में कौन था। उसके बाद दोस्तों सभी की मदद से आगे बढ़ते हुए आर्यन नहर के निर्माण को रोकने और अदालत में ये साबित करने में सक्षम है कि राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित था और रामायण की कहानी सच्चे बताया। उसके बाद अशोक जो है वाटिका, उनके अलावा सीता, अमन मंदिर वहाँ पे एला में गए जहाँ पे लंका के पुरातत्व जो शख्स ढूंढकर श्रीलंका में श्री पद की राम अस्तित्व में वो कर लेते हैं। बाद में अपने बचे हुए बैग से एपी के बारे में अधिक जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं। समय के बाद पता चलता है कि आर्यन को जय श्री राम यानी कि वाक्यांश में भरी एक डायरी मिली और एपी द्वारा कही गई बातों का विश्लेषण करने और डायरी देखने के बाद उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि एपी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान हनुमान थे, ऐसा उनका मानना था। जो आगे इसका अर्थ है कि एपी अभी भी जीवित है और वास्तव में अमर है और उसने आर्यन को राम के लिए सबूत लाने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था इस कहानी के अंदर। उसके बाद कहानी में जून 2022 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जो है दावा किया गया था कि राम सेतु नाटकीय रिलीज के बजाय ओटीटी रिलीज पर ये मूवी रिलीज होगी, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ये फिल्म अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों सम्राट पृथ्वीराज और 2022 में रिलीज हुई बच्चन पांडे 2022 के खराब प्रदर्शन के कारण हुआ था। इसकी वजह से फिल्म निर्माताओं ने इन रिपोर्टों को अप्रामाणिक बताते हुए स्पष्ट किया था कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के मौके पर फिल्म रिलीज हुई थी। इसी के साथ आपको बता दें बानर और भालू
लंका तक यहाँ पे पुल बनाते हैं, लेकिन नल और वहाँ पे नीला बैठे हुए राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हैं, जहाँ पे अनाम जो है वहाँ पे जल रंग सी यानी कि 1850 और उनके लिए अहमियत भरा हुआ जवाब देखने को मिला था। राम सेतु को आलोचकों से बहुत ही नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म को 10 समीक्षकों के आधार पर 20 की अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को प्राप्त हुआ था। इसी के साथ दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दिया था इस मूवीज को रिव्यू करने के बाद, और साथ ही इस फिल्म को पैदल यात्री का अनुभव करार दिया और कहा कि वह केवल जो अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में रुचि रखते हैं कि वह निर्देशक ने अक्षय कुमार के चरित्र को एक गैर वनित्व और नास्तिक से सोशल मीडिया प्रचार के बदलने के लिए स्क्रिप्ट में कोई भी विश्वसनीय प्रगति नहीं करके तथ्य और कल्पना के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कमजोर कहानी शो किया और स्पष्ट रूप से इच्छुक जो है बाहुबली की आलोचना भी की, जो फिल्म के दृश्य प्रभाव और कलाकारों के प्रदर्शन इसमें देखने को मिला था। लेकिन सत्यदेव की प्रशंसा की गई, जहाँ पे वेटी कैड ने ये भी लिखा है कि ये संभावित विस्फोटक सामग्री से निपटने वाली फिल्म के लिए आश्चर्यजनक रूप से सपाट था। यहाँ पे नम्रता जोशी ने स्क्रीन इंटरनेशनल के लिए समीक्षा करते हुए लिखा कि ये फिल्म कथानक में कमी जरूर पैदा करता है। उन्होंने बताया कि कहानी में कमी है और कल्पना और मौलिकता और बिना रोमांस के एक्शन दृश्य, उनका मानना था कि फिल्म में हिंदू वर्चस्व को चित्रित किया गया है। तभी दोस्तों बता दें बल्कि कथा में छिपा हुआ है और वहाँ पे समांतर में हिंदू पीड़ित है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राम सेतु दक्षिण पंथी बॉलीवुड में एक और प्रचार फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार उनके अलावा ध्वजवाह के रूप में काम करते हैं, और वही भी दोस्तों फिल्म जो अप्रभावी निकली क्योंकि वहाँ पे सुभाष के झा ने फर्स्ट पोस्ट में लिखा है कि ये फिल्म हिंदुत्व विचारधारा पर आधारित है, जो बाद में खुद को पौराणिक कथाओं में ढाल लेती है। और उन्होंने कहा कि ये फिल्म हिंदुत्व समर्थक किसी भी फिल्म का मजाक उड़ाने और उसे कमजोर करने के वहाँ पे वामपंथियों के बड़े प्रयासों का हिस्सा बना हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि फिल्म को सत्ता समर्थक प्रचार के रूप में समझना निर्धार होता है और उन्हें सत्यदेव को छोड़कर बाकी सभी कलाकारों का प्रदर्शन निराश लगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म को इंडियाना जोन्स जैसे साहसिक कार्य के बजाय आस्था बनाम और इसके अलावा अंधविश्वास की बहस पर केंद्रित किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य रिव्यूअर्स ने NDTV के तरफ से समीक्षा करते हुए सैबल चटर्जी ने लिखा है, इन्होंने अपने रिव्यू में 1.5 स्टार दिया है और लिखा है, फिल्म भारतीय इतिहास के बारे में ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करने में कामयाब है जो इतिहास पौराणिक कथाओं और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। वहीं वैज्ञानिक और उसके अलावा विद्वानों ने अध्ययन समाप्त नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म खराब ढंग से लिखी गई ही कहानी जो घटिया तरीके से बनाया गया है और खराब अभिनय किया गया है, जो आदिम दृश्य प्रभाव के साथ एक अंजाम दल को प्रस्तुत किया गया है, जो अंत तक राम के अविश्वासियों को दंडित करने के लिए एक संदेश प्रस्तुत करती है। वहीं पे डीप प्रिंट के लिए समीक्षा करते हुए टीना दास ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि फिल्म दर्शकों को ये समझने की कोशिश किया गया है कि हिंदू धर्म और सामान्य रूप से धर्म उन्हें मुक्ति जरूर दिलाता है। उन्होंने इंडियाना जोन्स और इसके अलावा नेशनल ट्रेजर के नायकों की नकल करने की कोशिश के बावजूद अक्षय कुमार के प्रदर्शन को असंबद्ध बताया गया। उन्होंने लिखा कि फिल्म में इतिहास और इसके अलावा मिथन के साथ साथ हिंदुत्व विचारधारकों को भी शामिल किया गया है, जो कि दृश्य प्रभाव और CGI उनके अलावा एनिमेशन को दोषपूर्ण बताया गया। उनका मानना था कि यदि कोई इन बारीकियों को नज़रअंदाज करने में सफल होता है तो फिल्म रोमांचककारी होगी। तभी इस क्रूर इन में नंदिनी रामनाथ ने लिखा है, सेतु की आलोचना करते हुए इसे दृश्य प्रभाव के साथ व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी बताया गया। उन्होंने लिखा है कि टीव उस कथा में तर्क यह है कि बुनियादी सामान्य ज्ञान के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ा है, जो इस बात पर जोर देती है कि धार्मिक विश्वास को वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष ज्ञान से ऊपर खा जाए, और वहाँ पे उन्होंने कथानक और कलाकारों के प्रदर्शन में भी कमी बताई थी। इसके अलावा दोस्तों द हिंदू के अनुज कुमार जी ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, ये फिल्म सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मूवीज है।
और आगे उन्होंने कहा है उसकी तुलना में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित की गई और वहीं पे कश्मीर फाइल्स मूवी 2022 से की गई, जहां दोनों फिल्मों में हिंदू समाज के भीतर उदार और वहां पे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को एक खतरे के रूप में दर्शाया गया है। इससे बता दें निपटने की जरूरत है। दोनों फिल्में वहाँ पे बहुसंख्याओं के उत्पीड़न के दृष्टिकोण से लिखी गई थी और वह हिंदुओं को वहाँ पे उपदेश देती है कि वह यहाँ पे सभ्यताओं के बीच युद्ध के बीच में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में विरोधाभासी विचार रखने वालों को दर्शाया गया है और वहाँ पे जिन लोगों को राम में आस्था नहीं है उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जानी है। उन्होंने पाया कि वहाँ पे कलाकारों का प्रदर्शन घटिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं राम सेतु मूवीज के बारे में। बता दें फ्रेंड्स आपको, ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर मूवी है और वहीं पे फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा ने इस फिल्म में अभिनय किया था। उनके अलावा सत्य देव भी इस फिल्म के अंदर अहम भूमिकाओं में नजर आए हुए थे। वहीं पे दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी पुरातत्वविद पर आधारित है जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करने के लिए अक्षय कुमार की टीम फिल्म के अंदर निकल पड़ते हैं। इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है दुनिया में। वहीं इस फिल्म की घोषणा के बारे में बात की जाए तो इस मूवीज की घोषणा नवंबर के महीने 2020 में कर दी गई थी। इसकी प्रमुख फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कोविड-19 महामारी के बीच उत्पादन को असफलताओं और देरी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था और कुल मिलाकर अक्टूबर 2021 में फिर से इस मूवीज का शूटिंग शुरू हुआ और उसके बाद जनवरी 2022 में ऊटी, उसके अलावा गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया गया था। तभी दोस्तों राम सेतु फिल्म को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा ज़्यादा देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की लेकिन ये फिल्म अपने 110 करोड़ के बजट की भरपाई करने में बॉक्स ऑफिस में विफल रही थी उस वक्त। वहीं दोस्तों आपको बता दें कहानी में एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको बता दें नासा के उपग्रह चित्र में इस चीज को दिखाया गया था। वहीं भारत शीर्ष पर श्रीलंका सबसे नीचे पर रैंक करता है उस जगहों पर। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के संपादन के बारे में बात की जाए तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के निर्देशक अभिषेक शर्मा जी ने 2007 से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले के बारे में पता चला तब फिल्म का सह निर्माण अक्षय कुमार की माँ अरुणा भाटिया को दे दिया गया इसका जिम्मा। राम सेतु फिल्म के लिए सबसे पहले अक्षय कुमार की माँ को चुना गया था इस फिल्म के निर्माता के लिए अरुणा भाटिया जी को और विक्रम मल्होत्रा द्वारा प्रोडक्शन कंपनी और उसके अलावा अक्षय कुमार के केप ऑफ गुड फिल्म द्वारा इस मूवीज को बनाया गया। उनके अलावा अम्बदेसिया एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म को प्रोडक्शन किया, साथ ही साथ लाइका प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत इस मूवीज को बनाया गया था और ये फिल्म भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। वहीं आपको बता दें अरुणा भाटिया का सितम्बर 2021 में निधन हो गया था। उसके बाद दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में फिल्म में साइन किया गया था। उसके बाद अक्षय कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। तभी बता दें अम्बुदातिया एंटरटेनमेंट के CEO सह निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और इसके अलावा ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी बताया। वही फिल्म की टीम ने डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 पर 2004 की किताब पर पुस्तक के साथ साथ जो है पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श लिया था इस मूवीज की कहानी के लिए। इसी के साथ दोस्तों मार्च 2021 की शुरुआत में ही मीडिया रिपोर्ट ने पुष्टि किया था कि जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा को कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। तभी जून 2021 में सत्यदेव कंचना ने खुलासा किया था कि वह हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगे। वहीं फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के अवसर पर किया गया
तभी दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के गौतम बुद्ध नगर जिले में किया जाएगा और प्रस्तावित है बताया गया। वहीं पे दोस्तों बता दें फिल्म सिटी में होगी, ये भी चीज थी जो 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में टीम द्वारा वहां पे पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट आयोजित किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवीज की फोटोग्राफी 2020 में ही शुरू होने वाली थी। वहीं मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पैरी घाटी के एक नियोजित यात्रा लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित भीड़ के कारण वहां पे रद्द कर दी गई, क्योंकि दोस्तों लोगों का भीड़ नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे फिल्म को शूट नहीं किया गया। और 2020 के बाद आपको पता है इंडिया में कोविड-19 लग गया था। मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई, जहाँ पे मर डी पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया। वहीं शूटिंग 5 अप्रैल को शुरू होने वाली थी, हालांकि 4 अप्रैल को कुमार का कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आया, जो एक दिन बाद 5 अप्रैल को फिल्मांकन दल के 45 सदस्यों ने सकारात्मक परीक्षण किया, जिसका कारण फिल्मांकन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। सह निर्माता मल्होत्रा ने रिपोर्ट का खंडन किया, जहां पे दावा किया गया था कि वह बिल्कुल गलत है इस चीज के लिए और तथ्यों की पूरी तरह से गलत व्याख्या किया गया। और फिर कहा गया था कि एक ऑफ लोकेशन से प्रशिक्षण स्थल पर सकारात्मक प्रशिक्षण करने वाले 25 लोगों को उन लोगों से हटा दिया गया था जो इसका हिस्सा बनने के लिए योग्य नहीं थे। उसके बाद उस समय महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रसारणों को रोकने के लिए तालाबंदी लगा दी और इसके साथ ही क्रू के कई सदस्यों के सकारात्मक प्रशिक्षण के कारण फिल्म निर्माताओं को मुंबई शेड्यूल रद्द करना पड़ा और मध्य पर सेट को ध्वस्त करना पड़ा। तभी इसके बाद अक्षय कुमार अपनी अन्य फिल्मों पर काम करने चले गए, जिनमें से रक्षाबंधन मूवी शामिल थी, उसके अलावा कठपुतली भी शामिल थी, जिसका लंदन में 2 महीने का लंबा शेड्यूल लगाया गया था जो अक्टूबर में समाप्त हुआ। ये शूटिंग कठपुतली फिल्म की शूटिंग समाप्त होने के बाद अक्षय कुमार सीधे राम सेतु की शूटिंग पर वापस लौट आए थे, लेकिन इसके पहले की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि वह फिल्मांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरू होगा। हालांकि वह केवल अक्टूबर 2021 के मध्य में ऊटी में एक शेड्यूल के साथ शुरू हुआ। वहीं प्रमुख पानी के नीचे के एक्शन दृश्य, समुद्री शूटिंग और चर्मोत्कर्ष को श्रीलंका में शूट किया गया था। श्रीलंका में कोविड-19 महामारी के कारण ये संभव नहीं था, जिससे फिल्मांकन टीम के लिए वहां पे संगरोध प्रतिबंधों के तहत यात्रा करना मुश्किल हो गया था। वहीं फिल्म निर्माता ने केरल और गुजरात में वैकल्पिक स्थान की तलाश की, जहां पे केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण इसका चयन नहीं किया गया। अंत में दमन और दीव को शूटिंग के लिए चुना ही गया और कुछ दृश्य मुंबई में भी फिल्माए गए थे और उसके बाद अनुक्रम हफ्ते में भी शूट किया गया था, जो 5 दिसंबर तक के दीव में शूटिंग पूरी हो गई थी। फाइनली 31 जनवरी 2022 को अक्षय कुमार ने शूटिंग पूरी की, जो पानी के नीचे के दृश्यों के लिए एक वास्तविक एक्सोसूट का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इसे पहनने और इसमें शूटिंग करने की चुनौतियों के कारण टीम ने एक प्रतिकृति का विकल्प चुना और ये फिल्म 150 करोड़ या फिर यूएस में कन्वर्ट कर दे तो 19 मिलियन की लागत से बनाई गई थी और फिल्म का बजट 85 करोड़ भी बताया जाता है। तभी दोस्तों बताते चले आपको, अप्रैल 2022 के एंड में फिल्म निर्माता ने अक्षय कुमार, उनके अलावा सत्यदेव और फर्नांडिस को दर्शाते हुए एक पोस्टर जारी किया था, पोस्टर जो कि वायरल हो गया जल्द ही सोशल मीडिया पर और वहीं पे मीम्स के रूप में साइबर ट्रोलिंग का शिकार हो गया ये पोस्टर, क्योंकि अक्षय कुमार एक जलती हुई बहुत ही बड़ी मशाल पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे पोस्टर में, जबकि फर्नांडिस एक शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी पकड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और अक्टूबर में फिल्म निर्माताओं ने एक ही मोबाइल गेम जारी किया, जिसमें फिल्म के मुख्य पात्र डॉक्टर आर्यन, उनके अलावा कुलश्रेष्ठ और सेंड्रा और एपी इन सभी चीज़ों में शामिल थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी के अंदर ASI पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वह भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। फिर उन्होंने पहले ही भारत और पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर काम किया था। टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की थी।
और उसके बाद दोनों अफगानिस्तान में वहाँ पे बामियान के बुत के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद वहाँ पे थे, जहाँ पे दाहिर का खजाना बाद में मिला था। तभी इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, ये चीज़ भी देखने को मिला है। साल 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के वजह से राम सेतु पुल को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है, यानी कि वो ऑटोमेटिक बना हुआ है। उन्होंने शुरू में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद बता दें उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि वहाँ पे रामायण एक महाकाव्य कथा है, इतिहास नहीं है बताया। और फिर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया कहानी में। उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार करना नहीं चाहिए, इस प्रकार उसे पूरी शत्रुता का सामना करना पड़ गया है। उसके बाद अदालत में वहाँ पे हलफनामे के रूप में प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट से सरकार अपमानित होती है क्योंकि यह राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा था कहानी में। और तभी जनता गुस्से में आ गई मूवीज के अंदर। इसके परिणाम के रूप में आर्यन को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है और वहाँ पे दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ी और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। उसके बाद इस बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला था। इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन और पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहते हैं और उनका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उनके जहाज़ों को लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, इसलिए वह चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए और फिर जो है आर्यन को राम सेतु के पुरातत्व अन्वेषण और इसके अलावा अनुसंधान में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश किया जाए। उसके बाद यहाँ पर जनता की अधिक शत्रुता के डर से वह इसे अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन अपने बेटे के साथ हुई घटनाओं को याद करने के बाद वह सच्चाई साबित करने का फैसला करते हैं। इसलिए बता दें आर्यन मिशन को स्वीकार करते हैं और फिर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बाली और साथी वैज्ञानिकों को डॉक्टर सेंड्रा उनके अलावा रेबेलो जेगले फर्नांडिस और डॉक्टर गेबेरियर से मिलकर ये काम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गेबेरियर से मिलते हैं जिन्होंने उसके साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया है और प्रारंभिक जो है सोच से पता चलता है कि राम सेतु 18,000 वर्ष पुराना है, जो स्वयं राम से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। उसके बाद एक और रिपोर्ट में बताया जाता है कि 7,000 वर्ष से भी अधिक पहले पैदा हुआ था और ये फिर आर्यन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह राम सेतु से एक और तैरती हुई चट्टान लाने का फैसला करते हैं और उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। फिर वह गहरे पानी में भी निकल पड़ते हैं और वहाँ पर मूंगा चट्टानों का पता लगाते हैं। इससे ये सिद्ध होने लगता है कि राम सेतु सचमुच लगभग जो है 7,000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित की गई है और इसके राम द्वारा निर्मित होने की संभावना भी है, उनका ये मानना है। फिर वह इसकी जो है सूचना इंद्रकांत को देते हैं जो कि मिशन के प्रति आर्यन की निष्पक्षता की सराहना करते हैं। हालांकि इंद्रकांत केवल यह प्रमाण चाहते हैं कि राम सेतु राम से भी पूर्ण है और इसलिए इसे उन्होंने नहीं बनाया है ताकि वह वहाँ पर संरचना को ध्वस्त कर सके और अपनी परियोजना के लिए धन और ईंधन बचा सके। फिर उसने तीनों को मार डालने का फैसला किया। तभी वहाँ पे राम सेतु से अधिक चट्टान निकलने के एक अन्य मिशन पर डॉक्टर ग्रेबियल, डॉक्टर सेंड्रा और वहाँ पे रेबेलो और आर्यन गहरे पानी में निकल पड़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे अचानक उनकी जो है पनडुब्बी काम करना बंद कर देती है और वह फंस जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण वह वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर ग्रेवियल ने चतुराई से काम करते हुए तैरते हुए पत्थर को अपने साथ ले लिया क्योंकि उन्हें वहां पे बाली पर संदेह था और बीच समुद्र में उन्हें नाव पर सवार एक व्यक्ति वहां पे नजर आता है। वह आदमी वहां पे पुष्प कुमार एपी सत्यदेव द्वारा बचाए जाते हैं। फिर उन्हें जो है बचाते हैं और श्रीलंका के एक सुदीर द्वीप पर उनको लेकर जाते हैं जो वर्तमान में चल रहे वहाँ पे गृह युद्ध से प्रभावित है।
उसके बाद वो तीनों उनके मकसद में मदद करने के लिए सहमत हुआ और फिर वह कहता है कि वह उनकी मदद करेगा लेकिन केवल आर्थिक लाभ के लिए। बाली को पता चलता है कि पत्थर गायब हो गया है और वह उनका पीछा करने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पे एपी उन्हें सीमा पार करने में मदद करते हैं और फिर पीछा करने में पत्थर जो है गायब हो जाता है। एपी स्थानीय पुलिस की मदद लेने में कामयाब होते हैं जो उन्हें हेलीकॉप्टर से बचा लिया जाता है। उसके बाद तीनों हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रेबियल जो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी उसे बाली ने गोली मार दी, तभी दोस्तों वहाँ पे वह मर गई। अब जो है आर्यन और चेंड्रा और उसके अलावा एपी के साथ मिलकर श्रीलंका में सीमाओं के पार अपना जो है शोध करने के और राम सेतु के अस्तित्व को साबित करने का फैसला किया है, जिसमें रावण का अस्तित्व भी छुपा हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ा सबूत होगा कि राम सेतु प्राकृतिक नहीं था बल्कि राम द्वारा बनाया गया था। उसके बाद वहाँ से वो भागने की प्रयास के दौरान वहाँ पे एपी पीछे रह जाते हैं और उसे मृत मान लिया जाता है। आर्यन यह पता लगाने के अपने प्रयासों से विफल रह जाते हैं कि एपी वास्तव में कौन था। उसके बाद दोस्तों सभी की मदद से आगे बढ़ते हुए आर्यन नहर के निर्माण को रोकने और अदालत में ये साबित करने में सक्षम है कि राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित था और रामायण की कहानी सच्चे बताया। उसके बाद अशोक जो है वाटिका, उनके अलावा सीता अमन मंदिर वहाँ पे एला में गए, जहाँ पे लंका के पुरातत्वतिक जो शख्स ढूंढकर श्रीलंका में श्री पद की राम अस्तित्व में वो कर लेते हैं। बाद में अपने बचे हुए बैग से एपी के बारे में अधिक जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं। समय के बाद पता चलता है कि आर्यन को जय श्री राम यानी कि वाक्यांश में भरी एक डायरी मिली और एपी द्वारा कही गई बातों का विश्लेषण करने और डायरी देखने के बाद उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि एपी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान हनुमान थे, ऐसा उनका मानना था, जो आगे इसका अर्थ है कि एपी अभी भी जीवित है और वास्तव में अमर है और उसने आर्यन को राम के लिए सबूत लाने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था इस कहानी के अंदर। उसके बाद कहानी में जून 2022 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जो है दावा किया गया था कि राम सेतु नाटक रिलीज के बजाय ओटीटी रिलीज पर ये मूवी रिलीज होगी, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ये फिल्म अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों सम्राट पृथ्वीराज और 2022 में रिलीज हुई बच्चन पांडे 2022 के खराब प्रदर्शन के कारण हुआ था। इसकी वजह से फिल्म निर्माताओं ने इन रिपोर्टों को अप्रामाणिक बताते हुए स्पष्ट किया था कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के मौके पर फिल्म रिलीज हुई थी। इसी के साथ आपको बता दें बानर और भालू लंका तक यहाँ पे पुल बनाते हैं, लेकिन नल और वहाँ पे नीला बैठे हुए राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हैं, जहाँ पे अनाम जो है वहाँ पे जल रंग सी यानी कि 1850 और उनके अलावा अहमियत भरा हुआ जो आप देखने को मिला था। राम सेतु को आलोचकों से बहुत ही नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म को 10 समीक्षकों के आधार पर 20 की अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को प्राप्त हुआ था। इसी के साथ दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दिया था इस मूवीज को रिव्यू करने के बाद, और साथ ही इस फिल्म को पैदल यात्री का अनुभव करार दिया और कहा कि वह केवल अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में रुचि रखते हैं कि वह निर्देशक ने अक्षय कुमार के चरित्र को एक गैर वनित्व और नास्तिक से सोशल मीडिया प्रचार के बदलने के लिए स्क्रिप्ट में कोई भी विश्वसनीय प्रगति नहीं करके तथ्य और कल्पना के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कमजोर कहानी शो किया और स्पष्ट रूप से इच्छुक जो है बाहुबली की आलोचना भी की, जो फिल्म के दृश्य प्रभाव और कलाकारों के प्रदर्शन इसमें देखने को मिला था। लेकिन सत्यदेव की प्रशंसा की गई, जहाँ पे वेटिकेड ने ये भी लिखा है कि ये संभावित विस्फोटक सामग्री से निपटने वाली फिल्म के लिए आश्चर्यजनक रूप से सपाट था। यहाँ पे नम्रता जोशी ने स्क्रीन इंटरनेशनल के लिए समीक्षा करते हुए लिखा कि ये फिल्म कथानक में कमी जरूर पैदा करता है। उन्होंने बताया कि कहानी में कमी है और कल्पना और मौलिकता और बिना रोमांस के एक्शन दृश्य, उनका मानना था कि फिल्म में हिंदू वर्चस्व को चित्रित किया गया है। तभी दोस्तों बता दें बल्कि कथा में छिपा हुआ है और वहाँ पे समांतर में हिंदू पीड़ित है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राम सेतु दक्षिण पंथी बॉलीवुड में एक और प्रचार फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार उनके अलावा
ध्वजवाह के रूप में काम करते हैं। और वही भी दोस्तों फिल्म जो अप्रभावी निकली क्योंकि वहाँ पे सुभाष के झा ने फर्स्ट पोस्ट में लिखा है कि ये फिल्म हिंदुत्व विचारधारा पर आधारित है जो बाद में खुद को पौराणिक कथाओं में ढाल लेती है। और उन्होंने कहा कि ये फिल्म हिंदुत्व समर्थक किसी भी फिल्म का मजाक उड़ाने और उसे कमज़ोर करने के वहाँ पे वामपंथियों के बड़े प्रयासों का हिस्सा बना हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि फिल्म को सत्ता समर्थक प्रचार के रूप में समझना निर्धार होता है और उन्हें सत्यदेव को छोड़कर बाकी सभी कलाकारों का प्रदर्शन निराश लगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म को इंडियाना जोन्स जैसे साहसिक कार्य के बजाय आस्था बनाम और इसके अलावा अंधविश्वास की बहस पर केंद्रित किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य रिव्यूअर्स ने NDTV के तरफ से समीक्षा करते हुए सैबल चटर्जी ने लिखा है, इन्होंने अपने रिव्यू में 1.5 स्टार दिया है और लिखा है, फिल्म भारतीय इतिहास के बारे में ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करने में कामयाब है जो इतिहास पौराणिक कथाओं और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। वहीं वैज्ञानिक और उसके अलावा विद्वानों ने अध्ययन समाप्त नहीं किया, उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म खराब ढंग से लिखी गई ही कहानी जो घटिया तरीके से बनाया गया है और खराब अभिनय किया गया है जो आदिम दृश्य प्रभाव के साथ एक अंजाम दल को प्रस्तुत किया गया है जो अंत तक राम के अविश्वासियों को दंडित करने के लिए एक संदेश प्रस्तुत करती है। वहीं पे डीप प्रिंट के लिए समीक्षा करते हुए टीना दास ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि फिल्म दर्शकों को ये समझने की कोशिश किया गया है कि हिंदू धर्म और सामान्य रूप से धर्म उन्हें मुक्ति जरूर दिलाता है। उन्होंने इंडियाना जोन्स और इसके अलावा नेशनल ट्रेजर के नायकों की नकल करने की कोशिश के बावजूद अक्षय कुमार के प्रदर्शन को असंबद्ध बताया गया। उन्होंने लिखा कि फिल्म में इतिहास और इसके अलावा मिथन के साथ साथ हिंदुत्व विचारधारकों को भी शामिल किया गया है जो कि दृश्य प्रभाव और CGI उनके अलावा एनिमेशन को दोषपूर्ण बताया गया। उनका मानना था कि यदि कोई इन बारीकियों को नज़रअंदाज करने में सफल होता है तो फिल्म रोमांचककारी होगी। तभी इस क्रूर इन में नंदिनी रामनाथ ने लिखा है, सेदू की आलोचना करते हुए इसे दृश्य प्रभाव के साथ व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी बताया गया। उन्होंने लिखा है कि टी उस कथा में तर्क यह है कि बुनियादी सामान्य ज्ञान के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ा है जो इस बात पर जोर देती है कि धार्मिक विश्वास को वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष ज्ञान से ऊपर खा जाए। और वहाँ पे उन्होंने कथानक और कलाकारों के प्रदर्शन में भी कमी बताई थी। इसके अलावा दोस्तों द हिंदू के अनुज कुमार जी ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, ये फिल्म सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मूवीज है। और आगे उन्होंने कहा है, उसकी तुलना में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित की गई और वहीं पर कश्मीर फाइल्स मूवी 2022 से की गई जहाँ दोनों फिल्मों में हिंदू समाज के भीतर उदार और वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को एक खतरे के रूप में दर्शाया गया है। इससे बता दें निपटने की जरूरत है। दोनों फिल्में वहाँ पे बहुसंख्याओं के उत्पीड़न के दृष्टिकोण से लिखी गई थी और वह हिंदुओं को वहाँ पे उपदेश देती है कि वह यहाँ पे सभ्यताओं के बीच युद्ध के बीच में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में विरोधाभासी विचार रखने वालों को दर्शाया गया है और वहाँ पे जिन लोगों को राम में आस्था नहीं है उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जानी है। उन्होंने पाया कि वहाँ पे कलाकारों का प्रदर्शन घटिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं राम सेतु मूवीज के बारे में। बता दें फ्रेंड्स, आपको ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर मूवी है। और वहीं पे फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा ने इस फिल्म में अभिनय किया था। उनके अलावा सत्यदेव भी इस फिल्म के अंदर अहम भूमिकाओं में नजर आए हुए थे। वहीं पे दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी पुरातत्वविद पर आधारित है जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करने के लिए अक्षय कुमार की टीम फिल्म के अंदर निकल पड़ते हैं। इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है दुनिया में। वहीं इस फिल्म की घोषणा के बारे में बात की जाए तो इस मूवीज की घोषणा नवम्बर के महीने 2020 में कर दी गई थी। इसकी प्रमुख फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी।
इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कोविड-19 महामारी के बीच उत्पादन को असफलताओं और देरी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था और कुल मिलाकर अक्टूबर 2021 में फिर से इस मूवीज़ का शूटिंग शुरू हुआ और उसके बाद जनवरी 2022 में ऊटी, उसके अलावा गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया गया था। तभी दोस्तों राम सेतु फिल्म को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा ज़्यादा देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, लेकिन ये फिल्म अपने 110 करोड़ के बजट की भरपाई करने में बॉक्स ऑफिस में विफल रही थी उस वक्त। वहीं दोस्तों आपको बता दें कहानी में एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको बता दें नासा के उपग्रह चित्र में इस चीज को दिखाया गया था। वहीं भारत शीर्ष पर श्रीलंका सबसे नीचे पर रैंक करता है उस जगहों पर। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के संपादन के बारे में बात की जाए तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के निर्देशक अभिषेक शर्मा जी ने 2007 से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले के बारे में पता चला तब फिल्म का सह निर्माण अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया को दे दिया गया इसका जिम्मा। राम सेतु फिल्म के लिए सबसे पहले अक्षय कुमार की मां को चुना गया था। इस फिल्म के निर्माता के लिए अरुणा भाटिया जी को और विक्रम मल्होत्रा द्वारा प्रोडक्शन कंपनी हो और उसके अलावा अक्षय कुमार के केप ऑफ गुड फिल्म द्वारा इस मूवीज को बनाया गया। उनके अलावा अम्बदेसिया एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म को प्रोडक्शन किया, साथ ही साथ लाइका प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत इस मूवीज को बनाया गया था और ये फिल्म भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। वहीं आपको बता दें अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया था। उसके बाद दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में फिल्म में साइन किया गया था। उसके बाद अक्षय कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। तभी बता दें अम्बुदातिया एंटरटेनमेंट के CEO सह निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों, विज्ञान और इसके अलावा ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी बताया। वही फिल्म की टीम ने डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 पर 2004 की किताब पर पुस्तक के साथ साथ जो है पूरा तत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श लिया था इस मूवीज की कहानी के लिए। इसी के साथ दोस्तों मार्च 2021 की शुरुआत में ही मीडिया रिपोर्ट ने पुष्टि किया था कि जैकलिन फर्नांडिज और नुसरत भरूचा को कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। तभी जून 2021 में सत्यदेव कंचना ने खुलासा किया था कि वह हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगे। वहीं फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के अवसर पर किया गया। तभी दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के गौतम बुद्ध नगर जिले में किया जाएगा और प्रस्तावित है बताया गया। वहीं पे दोस्तों बता दें फिल्म सिटी में होगी ये भी चीज थी जो 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में टीम द्वारा वहां पे पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट आयोजित किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवीज की फोटोग्राफी 2020 में ही शुरू होने वाली थी। वहीं मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पैरी घाटी के एक नियोजित यात्रा लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित भीड़ के कारण वहां पे रद्द कर दी गई, क्योंकि दोस्तों लोगों का भीड़ नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे फिल्म को शूट नहीं किया गया। और 2020 के बाद आपको पता है इंडिया में कोविड-19 लग गया था। मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई, जहाँ पे मर्ड डी पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया। वहीं शूटिंग 5 अप्रैल को शुरू होने वाली थी, हालांकि 4 अप्रैल को कुमार का कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आया, जो एक दिन बाद 5 अप्रैल को फिल्मांकन दल के 45 सदस्यों ने सकारात्मक परीक्षण किया, जिसका कारण फिल्मांकन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। सह निर्माता मल्होत्रा ने रिपोर्ट का खंडन किया, जहां पे दावा किया गया था कि वह बिल्कुल गलत है इस चीज़ के लिए और तथ्यों की पूरी तरह से गलत व्याख्या किया गया और फिर कहा गया था कि एक ऑफ लोकेशन से परीक्षण स्थल पर सकारात्मक प्रशिक्षण करने वाले 25 लोगों को उन लोगों से हटा दिया गया था जो इसका हिस्सा बनने के लिए योग्य नहीं थे। उसके बाद उस समय महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रसारणों को रोकने के लिए तालाबंदी लगा दी।
और इसके साथ ही क्रू के कई सदस्यों के सकारात्मक प्रशिक्षण के कारण फिल्म निर्माताओं को मुंबई शेड्यूल रद्द करना पड़ा और मध्य पर सेट को ध्वस्त करना पड़ा। तभी इसके बाद अक्षय कुमार अपनी अन्य फिल्मों पर काम करने चले गए, जिनमें से रक्षाबंधन मूवी शामिल थी, उसके अलावा कठपुतली भी शामिल थी। इसका लंदन में 2 महीने का लंबा शेड्यूल लगाया गया था, जो अक्टूबर में समाप्त हुआ ये शूटिंग। कठपुतली फिल्म की शूटिंग समाप्त होने के बाद अक्षय कुमार सीधे राम सेतु की शूटिंग पर वापस लौट आए थे, लेकिन इसके पहले की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि वह फिल्मांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरू होगा। हालांकि वह केवल अक्टूबर 2021 के मध्य में ऊटी में एक शेड्यूल के साथ शुरू हुआ। वहीं प्रमुख पानी के नीचे के एक्शन दृश्य, समुद्री शूटिंग और चर्मोत्कर्ष को श्रीलंका में शूट किया गया था। श्रीलंका में कोविड-19 महामारी के कारण यह संभव नहीं था, जिससे फिल्मांकन टीम के लिए वहाँ पे संगरोध प्रतिबंधों के तहत यात्रा करना मुश्किल हो गया था। वहीं फिल्म निर्माता ने केरल और गुजरात में वैकल्पिक स्थान की तलाश की, जहाँ पे केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण इसका चयन नहीं किया गया। अंत में दमन और दीव को शूटिंग के लिए चुना ही गया और कुछ दृश्य मुंबई में भी फिल्माए गए थे और उसके बाद अनुक्रम हफ्ता में भी शूट किया गया था, जो 5 दिसंबर तक दीव में शूटिंग पूरी हो गई थी। फाइनली 31 जनवरी 2022 को अक्षय कुमार ने शूटिंग पूरी की, जो पानी के नीचे के दृश्यों के लिए एक वास्तविक एक्सोसूट का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इसे पहनने और इसमें शूटिंग करने की चुनौतियों के कारण टीम ने एक प्रतिकृति का विकल्प चुना और ये फिल्म 150 करोड़ या फिर यूएस में कन्वर्ट कर दी तो 19 मिलियन की लागत से बनाई गई थी और फिल्म का बजट 85 करोड़ भी बताया जाता है। तभी दोस्तों बताते चले आपको, अप्रैल 2022 के एंड में फिल्म निर्माता ने अक्षय कुमार, उनके अलावा सत्यदेव और फर्नांडिस को दर्शाते हुए एक पोस्टर जारी किया था, पोस्टर जो कि वायरल हो गया जल्द ही सोशल मीडिया पर और वहीं पे मीम्स के रूप में साइबर ट्रोलिंग का शिकार हो गया ये पोस्टर, क्योंकि अक्षय कुमार एक जलती हुई बहुत ही बड़ी मशाल पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे पोस्टर में, जबकि फर्नांडिस एक शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी पकड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और अक्टूबर में फिल्म निर्माताओं ने एक ही मोबाइल गेम जारी किया, जिसमें फिल्म के मुख्य पात्र डॉक्टर आर्यन, उनके अलावा कुलश्रेष्ठ और सेंड्रा और एपी, इन सभी चीज़ों में शामिल थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों कहानी के अंदर ASI पुरातात्विक डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वह भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। फिर उन्होंने पहले ही भारत और पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर काम किया था। टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की थी और उसके बाद दोनों अफगानिस्तान में वहां पे बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद वहां पे थे, जहां पे दाहिर का खजाना। वहीं पर दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी पुरातत्वविद पर आधारित है, जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करने के लिए अक्षय कुमार की टीम फिल्म के अंदर निकल पड़ते हैं। इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है दुनिया में। वहीं इस फिल्म की घोषणा के बारे में बात की जाए तो इस मूवीज की घोषणा नवम्बर के महीने 2020 में कर दी गई थी, जिसकी प्रमुख फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कोविड-19 महामारी के बीच उत्पादन को असफलताओं और देरी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था और कुल मिलाकर अक्टूबर 2021 में फिर से इस मूवीज का शूटिंग शुरू हुआ और उसके बाद जनवरी 2022 में ऊटी, उसके अलावा गुजरात, दमन और दीव, मालदीव और मुंबई के पास इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया गया था। तभी दोस्तों राम सेतु फिल्म को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा ज़्यादा देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, लेकिन ये फिल्म अपने 110 करोड़ के बजट की भरपाई करने में बॉक्स ऑफिस में विफल रही थी उस वक्त। वहीं दोस्तों आपको बता दें कहानी में एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको बता दें नासा के उपग्रह चित्र में इस चीज को दिखाया गया था। वहीं भारत शीर्ष पर श्रीलंका सबसे नीचे पर रैंक करता है उस जगहों पर। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के संपादन के बारे में बात की जाए तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के निर्देशक अभिषेक शर्मा जी ने 2007 से एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे थे,
जब उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले के बारे में पता चला तब फिल्म का सह निर्माण अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया को दे दिया गया इसका जिम्मा। राम सेतु फिल्म के लिए सबसे पहले अक्षय कुमार की मां को चुना गया था। इस फिल्म के निर्माता के लिए अरुणा भाटिया जी को और विक्रम मल्होत्रा द्वारा प्रोडक्शन कंपनी और उसके अलावा अक्षय कुमार के केप ऑफ गुड फिल्म द्वारा इस मूवीज को बनाया गया। उनके अलावा अम्बदेसिया एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म को प्रोडक्शन किया, साथ ही साथ लाइका प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम वीडियो के तहत इस मूवीज को बनाया गया था और ये फिल्म भारत में अमेजन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है। वहीं आपको बता दें अरुणा भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया था। उसके बाद दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी को रचनात्मक निर्माता के रूप में फिल्म में साइन किया गया था। उसके बाद अक्षय कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल के रूप में वर्णित किया। तभी बता दें अम्बुदाथिया एंटरटेनमेंट के CEO सह निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को तथ्यों विज्ञान और इसके अलावा ऐतिहासिक विरासत पर बनी कहानी बताया। वही फिल्म की टीम ने डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम 2004 की किताब पर पुस्तक के साथ साथ जो है पुरातत्व और अन्य क्षेत्रों के विशेष गो से परामर्श लिया था इस मूवीज की कहानी के लिए। इसी के साथ दोस्तों मार्च 2021 की शुरुआत में ही मीडिया रिपोर्ट ने पुष्टि किया था कि जैकलिन फर्नांडिज और नुसरत भरूचा को कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। तभी जून 2021 में सत्यदेव कंचना ने खुलासा किया था कि वह हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म का हिस्सा होंगे। वही फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2020 को दिवाली के अवसर पर किया गया। तभी दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के गौतम बुद्ध नगर जिले में किया जाएगा और प्रस्तावित है बताया गया। वहीं पे दोस्तों बता दें फिल्म सिटी में होगी ये भी चीज थी जो 18 मार्च 2021 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में टीम द्वारा वहां पे पूजा समारोह के बाद मुहूर्त शॉट आयोजित किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस मूवीज की फोटोग्राफी 2020 में ही शुरू होने वाली थी। वहीं मुख्य अभिनेताओं द्वारा अयोध्या में राम की पैरी घाटी के एक नियोजित यात्रा लोगों की एक बड़ी अनियंत्रित भीड़ के कारण वहां पे रद्द कर दी गई, क्योंकि दोस्तों लोगों का भीड़ नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे फिल्म को शूट नहीं किया गया। और 2020 के बाद आपको पता है इंडिया में COVID-19 लग गया था। मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई, जहाँ पे मर्ड डीप पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया। वहीं शूटिंग 5 अप्रैल को शुरू होने वाली थी, हालांकि 4 अप्रैल को कुमार का COVID-19 परीक्षण सकारात्मक आया, जो एक दिन बाद 5 अप्रैल को फिल्मांकन दल के 45 सदस्यों ने सकारात्मक परीक्षण किया। इसका कारण फिल्मांकन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। सह निर्माता मल्होत्रा ने रिपोर्ट का खंडन किया, जहां पे दावा किया गया था कि वह बिल्कुल गलत है इस चीज के लिए और तथ्यों की पूरी तरह से गलत व्याख्या किया गया। और फिर कहा गया था कि एक ऑफ लोकेशन से प्रशिक्षण स्थल पर सकारात्मक प्रशिक्षण करने वाले 25 लोगों को उन लोगों से हटा दिया गया था जो इसका हिस्सा बनने के लिए योग्य नहीं थे। उसके बाद उस समय महाराष्ट्र सरकार ने COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रसारणों को रोकने के लिए तालाबंदी लगा दी और इसके साथ ही क्रू के कई सदस्यों के सकारात्मक प्रशिक्षण के कारण फिल्म निर्माताओं को मुंबई शेड्यूल रद्द करना पड़ा और मध्य पर सेट को ध्वस्त करना पड़ा। तभी इसके बाद अक्षय कुमार अपनी अन्य फिल्मों पर काम करने चले गए, जिनमें से रक्षाबंधन मूवी शामिल थी, उसके अलावा कठपुतली भी शामिल थी, जिसका लंदन में 2 महीने का लंबा शेड्यूल लगाया गया था जो अक्टूबर में समाप्त हुआ ये शूटिंग। कठपुतली फिल्म की शूटिंग समाप्त होने के बाद अक्षय कुमार सीधे राम सेतु की शूटिंग पर वापस लौट आए थे, लेकिन इसके पहले के रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि वह फिल्मांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरू होगा। हालांकि वह केवल अक्टूबर 2021 के मध्य में ऊटी में एक शेड्यूल के साथ शुरू हुआ। वही प्रमुख पानी के नीचे के एक्शन दृश्य, समुद्री शूटिंग और चर्मोत्कर्ष को श्रीलंका में शूट किया गया था। श्रीलंका में COVID-19 महामारी के कारण यह संभव नहीं था, जिससे फिल्मांकन टीम के लिए वहां पे संगरोध प्रतिबंधों के तहत यात्रा करना मुश्किल हो गया था। वहीं फिल्म निर्माता ने केरल और गुजरात में वैकल्पिक स्थान की तलाश की, जहां पे केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण इसका चयन नहीं किया गया। अंत में दमन और दीव को शूटिंग के लिए चुना ही गया
और कुछ दृश्य मुंबई में भी फिल्माए गए थे और उसके बाद अनुक्रम हफ्ता में भी शूट किया गया था, जो 5 दिसंबर तक के दीव में शूटिंग पूरी हो गई थी। फाइनली 31 जनवरी 2022 को अक्षय कुमार ने शूटिंग पूरी की, जो पानी के नीचे के दृश्यों के लिए एक वास्तविक एक्शन शूट का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इसे पहनने और इसमें शूटिंग करने की चुनौतियों के कारण टीम ने एक प्रतिकृति का विकल्प चुना और ये फिल्म 150 करोड़ या फिर यूएस में कन्वर्ट कर दी तो 19 मिलियन की लागत से बनाई गई थी और फिल्म का बजट 85 करोड़ भी बताया जाता है। तभी दोस्तों बताते चले आपको, अप्रैल 2022 के एंड में फिल्म निर्माता ने अक्षय कुमार, उनके अलावा सत्यदेव और फर्नांडिस को दर्शाते हुए एक पोस्टर जारी किया था, पोस्टर जो कि वायरल हो गया जल्द ही सोशल मीडिया पर और वहीं पे मीम्स के रूप में साइबर ट्रोलिंग का शिकार हो गया ये पोस्टर, क्योंकि अक्षय कुमार एक जलती हुई बहुत ही बड़ी मशाल पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे पोस्टर में, जबकि फर्नांडिस एक शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी पकड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और अक्टूबर में फिल्म निर्माताओं ने एक ही मोबाइल गेम जारी किया, जिसमें फिल्म के मुख्य पात्र डॉक्टर आर्यन, उनके अलावा कुलश्रेष्ठ और सेंड्रा और एपी, इन सभी चीज़ों में शामिल थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों कहानी के अंदर ASI पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वह भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। फिर उन्होंने पहले ही भारत और पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर काम किया था। टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज की थी और उसके बाद दोनों अफगानिस्तान में वहां पे बामियान के बुद्ध के पास तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद वहां पे थे, जहां पे दाहिर का खजाना बाद में मिला था। तभी इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, ये चीज़ भी देखने को मिला है। साल 2007 में नहर बनाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के वजह से राम सेतु पुल को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक निर्माण है, यानी कि वो ऑटोमेटिक बना हुआ है। उन्होंने शुरू में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं पुल का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद बता दें उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि वहाँ पे रामायण एक महाकाव्य कथा है, इतिहास नहीं है बताया। और फिर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया। कहानी में उनकी पत्नी प्रोफेसर गायत्री का कहना है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार करना नहीं चाहिए, इस प्रकार उसे पूरी शत्रुता का सामना करना पड़ गया है। उसके बाद अदालत में वहाँ पे हल्फनामे के रूप में प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट से सरकार अपमानित होती है क्योंकि ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा था कहानी में। और तभी जनता गुस्से में आ गई मूवीज के अंदर, इसके परिणाम के रूप में आर्यन को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है और वहाँ पे दुश्मनी के कारण बाद में स्कूल में आर्यन के बेटे को बदमाशी करनी पड़ी और आर्यन ने पहली बार बदमाशी करने वाले के माता पिता द्वारा दिखाई गई दुश्मनी को देखा। उसके बाद इस बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला था। इंद्रकांत नासर से भी एक प्रस्ताव मिला है जो एक समुद्री परियोजना के लिए ईंधन और पैसा बचाने के लिए राम सेतु को ध्वस्त करना चाहते हैं और उनका मानना है कि राम सेतु के अस्तित्व के कारण उनके जहाज़ों को लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, इसलिए वह चाहते हैं कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए और फिर जो है आर्यन को राम सेतु के बुरा तत्व जो अन्वेषण और इसके अलावा अनुसंधान में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश किया जाए। उसके बाद यहां पर जनता की अधिक शत्रुता के डर से वह इसे अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन अपने बेटे के साथ हुई घटनाओं को याद करने के बाद वह सच्चाई साबित करने का फैसला करते हैं। इसलिए बता दें आर्यन मिशन को स्वीकार करते हैं और फिर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बाली और साथी वैज्ञानिकों को डॉक्टर सेंड्रा, उनके अलावा रेबेलो जेगले फर्नांडिस और डॉक्टर गेबेरियल से मिलकर ये काम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गेबेरियल से मिलते हैं जिन्होंने उसके साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया है और प्रारंभिक जो है सोच से पता चलता है कि राम सेतु 18,000 वर्ष पुराना है, जो स्वयं राम से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। उसके बाद एक और रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये 7,000 वर्ष से भी अधिक पहले पैदा हुआ था और ये फिर आर्यन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह राम सेतु से एक और
तैरती हुई चट्टान लाने का फैसला करते हैं और उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। फिर वह गहरे पानी में भी निकल पड़ते हैं और वहाँ पे मूंगा चट्टानों का पता लगाते हैं। इससे ये सिद्ध होने लगता है कि राम सेतु सचमुच लगभग जो है 7000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित की गई है और इसके राम द्वारा निर्मित होने की संभावना भी है, उनका ये मानना है। फिर वह इसकी जो है सूचना इंद्रकांत को देते हैं जो कि मिशन के प्रति आर्यन की निष्पक्षता की सराहना करते हैं। हालांकि इंद्रकांत केवल यही प्रमाण चाहते हैं कि राम सेतु राम से भी पूर्ण है और इसलिए इसे उन्होंने नहीं बनाया है ताकि वह वहां पे संरचना को ध्वस्त कर सके और अपनी परियोजना के लिए धन और ईंधन बचा सके। फिर उसने तीनों को मार डालने का फैसला किया। तभी वहां पे राम सेतु से अधिक चट्टान निकलने के एक अन्य मिशन पर डॉक्टर ग्रेबियल, डॉक्टर सेंड्रा और वहाँ पर रेबेलो और आर्यन गहरे पानी में निकल पड़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे अचानक उनकी जो है पनडुब्बी काम करना बंद कर देती है और वह फंस जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण वह वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर ग्रेवियल ने चतुराई से काम करते हुए तैरते हुए पत्थर को अपने साथ ले लिया क्योंकि उन्हें वहाँ पे बाली पर संदेह था और बीच समुद्र में उन्हें नाव पर सवार एक व्यक्ति वहाँ पर नजर आता है। वह आदमी वहाँ पे पुष्प कुमार एपी सत्यदेव द्वारा बचाए जाते हैं। फिर उन्हें जो है बचाते हैं और श्रीलंका के एक सुदीर्घ द्वीप पर उनको लेकर जाते हैं जो वर्तमान में चल रहे वहाँ पे गृह युद्ध से प्रभावित है। उसके बाद वो तीनों उनके मकसद में मदद करने के लिए सहमत हुआ और फिर वह कहता है कि वह उनकी मदद करेगा लेकिन केवल आर्थिक लाभ के लिए। बाली को पता चलता है कि पत्थर गायब हो गया है और वह उनका पीछा करने का फैसला करते हैं लेकिन वहाँ पे एपी उन्हें सीमा पार करने में मदद करते हैं और फिर पीछा करने में पत्थर जो है गायब हो जाता है। एपी स्थानीय पुलिस की मदद लेने में कामयाब होते हैं जो उन्हें हेलीकॉप्टर से बचा लिया जाता है। उसके बाद तीनों हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन वहाँ पर ग्रेबियल जो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी उसे बाली ने गोली मार दी। तभी दोस्त वहाँ पे वह मर गई। अब जो है आर्यन और सेंड्रा और उसके अलावा एपी के साथ मिलकर श्रीलंका में सीमाओं के पार अपना जो है शोध करने के और राम सेतु के अस्तित्व को साबित करने का फैसला किया है जिसमें रावण का अस्तित्व भी छुपा हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ा सबूत होगा कि राम सेतु प्राकृतिक नहीं था बल्कि राम द्वारा बनाया गया था। उसके बाद वहाँ से वो भागने की प्रयास के दौरान वहाँ पे एपी पीछे रह जाते हैं और उसे मृत मान लिया जाता है। आर्यन यह पता लगाने के अपने प्रयासों से विफल रह जाते हैं कि एपी वास्तव में कौन था। उसके बाद दोस्तों सभी की मदद से आगे बढ़ते हुए आर्यन नहर के निर्माण को रोकने और अदालत में ये साबित करने में सक्षम है कि राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित था और रामायण की कहानी सच्चे बताया। उसके बाद अशोक जो है वाटिका उनके अलावा सीता अमन मंदिर वहाँ पे एला में गए जहाँ पे लंका के पुरातत्वतिक जो शख्स ढूंढकर श्रीलंका में श्री पद की राम अस्तित्व में वो कर लेते हैं। बाद में अपने बचे हुए बैग से एपी के बारे में अधिक जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं। समय के बाद पता चलता है कि आर्यन को जय श्री राम यानी कि वाक्यांश में भरी एक डायरी मिली और एपी द्वारा कही गई बातों का विश्लेषण करने और डायरी देखने के बाद उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि एपी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान हनुमान थे, ऐसा उनका मानना था जो आगे इसका अर्थ है कि एपी अभी भी जीवित है और वास्तव में अमर है और उसने आर्यन को राम के लिए सबूत लाने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था इस कहानी के अंदर। उसके बाद कहानी में जून 2022 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जो है दावा किया गया था कि राम सेतु नाटकीय रिलीज के बजाय ओटीटी रिलीज पर ये मूवी रिलीज होगी लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ये फिल्म अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों सम्राट पृथ्वीराज और 2022 में रिलीज हुई बच्चन पांडे 2022 के खराब प्रदर्शन के कारण हुआ था। इसकी वजह से फिल्म निर्माताओं ने इन रिपोर्टों को अप्रामाणिक बताते हुए स्पष्ट किया था कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के मौके पर फिल्म रिलीज हुई थी। इसी के साथ आपको बता दें बानर और भालू लंका तक यहाँ पे पुल बनाते हैं लेकिन नल और वहाँ पे नीला बैठे हुए राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हैं।
जहाँ पे अनाम जो है वहाँ पे जल रंग सी यानी कि 1850 और उनका अहमियत भरा हुआ जवाब देखने को मिला था। राम सेतु को आलोचकों से बहुत ही नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिली। समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टमाटोज पर फिल्म को 10 समीक्षकों के आधार पर 20 की अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को प्राप्त हुआ था। इसी के साथ दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दिया था इस मूवीज को रिव्यू करने के बाद, और साथ ही इस फिल्म को पैदल यात्री का अनुभव करार दिया और कहा कि वह केवल अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में रुचि रखते हैं। कि वह निर्देशक ने अक्षय कुमार के चरित्र को एक गैर वनित्व और नास्तिक से सोशल मीडिया प्रचार के बदलने के लिए स्क्रिप्ट में कोई भी विश्वसनीय प्रगति नहीं करके तथ्य और कल्पना के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कमजोर कहानी शो किया और स्पष्ट रूप से इच्छुक जो है बाहुबली की आलोचना भी की, जो फिल्म के दृश्य प्रभाव और कलाकारों के प्रदर्शन इसमें देखने को मिला था। लेकिन सत्यदेव की प्रशंसा की गई, जहाँ पे वेटिकेड ने ये भी लिखा है कि ये संभावित विस्फोटक सामग्री से निपटने वाली फिल्म के लिए आश्चर्यजनक रूप से सपाट था। यहाँ पे नम्रता जोशी ने स्क्रीन इंटरनेशनल के लिए समीक्षा करते हुए लिखा कि ये फिल्म कथानक में कमी जरूर पैदा करता है। उन्होंने बताया कि कहानी में कमी है और कल्पना और मौलिकता और बिना रोमांस के एक्शन दृश्य। उनका मानना था कि फिल्म में हिंदू वर्चस्व को चित्रित किया गया है। तभी दोस्तों बता दें बल्कि कथा में छिपा हुआ है और वहाँ पे समांतर में हिंदू पीड़ित है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राम सेतु दक्षिण पंथी बॉलीवुड में एक और प्रचार फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार उनके अलावा ध्वजवाह के रूप में काम करते हैं। और वही भी दोस्तों फिल्म जो अप्रभावी निकली, क्योंकि वहाँ पे सुभाष के झा ने फर्स्ट पोस्ट में लिखा है कि ये फिल्म हिंदुत्व विचारधारा पर आधारित है, जो बाद में खुद को पौराणिक कथाओं में ढाल लेती है। और उन्होंने कहा कि ये फिल्म हिंदुत्व समर्थक किसी भी फिल्म का मजाक उड़ाने और उसे कमजोर करने के वहाँ पर पंथियों के बड़े प्रयासों का हिस्सा बना हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि फिल्म को सत्ता समर्थक प्रचार के रूप में समझना निर्धार होता है और उन्हें सत्यदेव को छोड़कर बाकी सभी कलाकारों का प्रदर्शन निराश लगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म को इंडियाना जोन्स जैसे साहसिक कार्य के बजाय आस्था बनाम और इसके अलावा अंधविश्वास की बहस पर केंद्रित किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य रिव्यूअर्स ने NDTV के तरफ से समीक्षा करते हुए सैबल चटर्जी ने लिखा है, इन्होंने अपने रिव्यू में 1.5 स्टार दिया है और लिखा है फिल्म भारतीय इतिहास के बारे में ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करने में कामयाब है जो इतिहास पौराणिक कथाओं और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। वहीं वैज्ञानिक और उसके अलावा विद्वानों ने अध्ययन समाप्त नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म खराब ढंग से लिखी गई ही कहानी जो घटिया तरीके से बनाया गया है और खराब अभिनय किया गया है, जो आदिम दृश्य प्रभाव के साथ एक अंजाम दल को प्रस्तुत किया गया है, जो अंत तक राम के अविश्वासियों को दंडित करने के लिए एक संदेश प्रस्तुत करती है। वहीं पे डीप प्रिंट के लिए समीक्षा करते हुए टीना दास ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा है कि फिल्म दर्शकों को ये समझने की कोशिश किया गया है कि हिंदू धर्म और सामान्य रूप से धर्म उन्हें मुक्ति जरूर दिलाता है। उन्होंने इंडियाना जोन्स और इसके अलावा नेशनल ट्रेजर के नायकों की नकल करने की कोशिश के बावजूद अक्षय कुमार के प्रदर्शन को अनसंबंध बताया गया। उन्होंने लिखा कि फिल्म में इतिहास और इसके अलावा मिथन के साथ साथ हिंदुत्व विचारधारकों को भी शामिल किया गया है, जो कि दृश्य प्रभाव और CGI उनके अलावा एनिमेशन को दोषपूर्ण बताया गया। उनका मानना था कि यदि कोई इन बारीकियों को नज़रअंदाज करने में सफल होता है तो फिल्म रोमांचककारी होगी। तभी इस क्रोल इन में नंदिनी रामनाथ ने लिखा है, सेतु की आलोचना करते हुए इसे दृश्य प्रभाव के साथ व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी बताया गया। उन्होंने लिखा है कि टीव उस कथा में तर्क यह है कि बुनियादी सामान्य ज्ञान के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ा है, जो इस बात पर जोर देती है कि धार्मिक विश्वास को वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष ज्ञान से ऊपर खा जाए। और वहाँ पे उन्होंने कथानक और कलाकारों के प्रदर्शन में भी कमी बताई थी। इसके अलावा दोस्तों द हिंदू के अनुज कुमार जी ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, ये फिल्म सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मूवीज है। और आगे उन्होंने कहा है, उसकी तुलना में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित की गई और वहीं पे कश्मीर फाइल्स मूवी 2022 से की गई,
जहां दोनों फिल्मों में हिंदू समाज के भीतर उदार और वहां पे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को एक खतरे के रूप में दर्शाया गया है। इससे बता दें निपटने की जरूरत है। दोनों फिल्में वहां पे बहुसंख्याओं के उत्पीड़न के दृष्टिकोण से लिखी गई थी और वह हिंदुओं को वहां पे उपदेश देती है कि वह यहां पे सभ्यताओं के बीच युद्ध के बीच में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में विरोधाभासी विचार रखने वालों को दर्शाया गया है और वहां पे जिन लोगों को राम में आस्था नहीं है उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जानी है। उन्होंने पाया कि वहाँ पे कलाकारों का प्रदर्शन घटिया था और दृश्य प्रभाव भी काफ़ी शानदार नहीं था। तो फैंस आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अक्षय कुमार की साल 2022 में रिलीज हुई मस्ट अवॉइडेड मूवीज़ का नाम है राम सेतु। दोस्तों इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।